शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रिश्वत की चूड़ियां आपने पहन रखी हैं कमिश्नर साहब। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें खासी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। बेइज्जती तो हम गरीबों की किस्मत में लिखी होती है। मैं आपका आक्रोश समझ सकता हूँ दीनानाथ जी। मंत्री है, मारा नहीं, हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठा मेरे पे, बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगा तू, समझ गया? पागल हो गए डीसीपी भगत पांडे। पागल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन ये वर्दी पहनकर ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करने की कसम खाई थी। जानते हो यह शख्स कौन है? मंत्री का साला है, इसीलिए इसकी फाइल तैयार करने में मुझे पूरे 3 महीने लगे। हाँ, यह बात अलग है कि इसे गिरफ्तार करने में सिर्फ 3 घंटे लगे। यह 3 मिनट में बाहर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसकी फाइल आपके कमिश्नर ऑफिस या किसी पुलिस चौकी में नहीं पड़ी है, वो कोर्ट में है। कल ये भी कोर्ट जाएगा और वहां से सीधा जेल। फिर इसे कानून का कोई भी दलाल छोड़ा नहीं पाएगा। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। काश आप बिकाऊ और भ्रष्ट ना होते तो मैं सिर्फ तमीज से ही नहीं इज्जत देकर बात करता। इस बदतमीजी की सजा जानते हो? कई बार भुगत चुका हूं, इस बार भी भुगतूंगा, लेकिन इसे सजा दिलवाने के बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम जैसे ऑफिसर या तो बिक जाते हैं या फिर हिजड़ों की तरह खड़े खड़े भ्रष्टाचार का तमाशा देखते हैं। रिश्वत की चूड़ियां आपने पहन रखी हैं कमिश्नर साहब, और भ्रष्टाचार की बधाई भी आप ही गाते घूम रहे हैं। You just shut up. लगता है आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है मैंने। हाँ, हाथ किसने रखा है तुम्हारी दुखती रग पर, मगर तोरा संयम ने तोरा के बचा लिया, वरना कमिश्नर पे हाथ उठाने के जुर्म में हम खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतरवा लेता, समझे? इतनी आसानी से नहीं उतर सकती। हाँ, जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन मैं खुद इसे उतार कर आऊंगा, क्योंकि ये पवित्र वर्दी पहनकर मैं तुम जैसे देशद्रोहियों को गोली नहीं मारूंगा। ए जी, तमीज से बात करो। हमारा नाम मंत्री सत्यनारायण है, हम सरकार बनाता भी हूँ, सरकार गिराता भी हूँ। तुम हमारा को अच्छी तरह से जानते नहीं हो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं आपको। नेता बनने के पहले आप फुटपाथ पर बैठकर साइकिल के पंक्चर लगाया करते थे, और कुर्सी पर बैठने के बाद अब देश को ही पंक्चर करने पर लगे हुए हैं। ए कमिश्नर, तोरा डिपार्टमेंट ने एकरा के तमीज नहीं सिखाया का? भला मंत्री जी से कोई ऐसी बात करता है? मैं इस वक्त एक मंत्री से नहीं, जुर्म के उस दलाल से बात कर रहा हूँ जो एक मुजरिम को छुड़ाने आया है। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे अपना काम करने दीजिए। अब जास्ती बकर बकर मत करो, वरना खड़े खड़े डिसमिस करवा के कुत्ते की मौत मरवाऊंगा, समझे क्या? अंगूठा छाप, अपनी हद में रह के बात कर,
मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं। तू मुझे ना डिसमिस करवा सकता है ना सस्पेंड करवा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर करवा सकता है। इसीलिए ये हरकत करने के पहले घर पर बिस्तर बांध कर आया हूँ। जगह बोल, जाना कहाँ है? तो ठीक है, हम तोहरा को ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ के गुंडा लोग न तोहरा का चैन से जीने देंगे और ना ही चैन से मरने देंगे। उस जगह का नाम है मुंबई। मुंबई सारेगामा सारेगामा मुंबई में रोज होता हंगामा। सारेगामा सारेगामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में सारेगामा सारेगामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में बड़े बड़े फनकार मुंबई में है, फिल्मी स्टार मुंबई में, गीतों की बहार मुंबई में है, संगीतकार मुंबई में, सब मिलके गाओ जरा शोर मचाओ रे। सारे गामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में सारे गामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में अमिताभ मुंबई में, करोड़ों के ख्वाब मुंबई में, हसीनों की जान मुंबई में, शाहरुख खान मुंबई में, ए वाह और क्या है तेरे मुंबई में। ए नींद निकल ले बंडप्पा, पुलिस आ रही है, चल निकल ले। कुड़िया कमाल मुंबई में है, गोरे गोरे गाल मुंबई में, कोई है कंगाल मुंबई में, कोई माला माल मुंबई में, सब मिलके गाओ जरा शोर मचाओ रे। सारे गामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में सारे गामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में ये भाव आइटम आ रहे लिए, ये आइटम बोले तो आइटम बोले तो लड़की क्या चिड़ने उड़ने का नहीं, अब उन भाई लोग छोकरी वोकरी को छेड़ता नहीं है क्या? ए चल निकल ले मुंबई। सब कारोबार मुंबई में है, चोर बाजार मुंबई में, बंदर की गुलाटी मुंबई में, दरिया चौपाटी मुंबई में। मुंबई मध्ये लता मंगेशकर मुंबई में, सचिन तेंदुलकर मुंबई में, ऊंचा कलाकार मुंबई में है, दिलीप कुमार मुंबई में, शोर मचाओ जरा शोर मचाओ रे। सारेगामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में सारेगामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में भाई साहब ने भाई बोलने का क्या भाई, फुटपाथ पे सो गए मुंबई में, कुछ भीड़ में खो गए मुंबई में, हो गए मुंबई में, आए ना जो गए मुंबई में, सब मिलके गाओ जरा शोर मचाओ रे। सारेगामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में सारेगामा मुंबई में रोज होता हंगामा। मुंबई में सारेगामा मुंबई में मुंबई में।
हाँ बोल गुरु। मुन्ना थड़ानी से 10 करोड़ मांग। ये कुछ ज्यादा नहीं है? उसे मारने के लिए। ठीक है गुरु। ए पंडित थड़ानी को फोन लगा। साला एक दिन अपना गुरु उसके पास नौकरी मांगने वास्ते गया था और उसने उसको इस साला एक्सटॉर्शन केस में फंसा डाला। लगा उसको फोन। थड़ानी लाइन पे है। ए थड़ानी अब मुन्ना बोलता है। गुरु बोला तेरे से 10 खोखा लेने का है। 10 खोखा? क्यों ज्यादा लगा? साला अपन तेरे से गुरु का वास्ते एक मामूली सा नौकरी मांगा था तभी भी तेरे को ज्यादा लगा था। मुन्ना भाई तुम हमारी बात तो सुनो। नहीं क्या सुनाएगा कि दिल्ली में तेरा बहुत पहुंच है। ए साला जब तक तेरा दिल्ली से आदमी लोग आएगा अपन तेरी अर्थ उठा देगा। अभी कान खोल के सुन। मैं पंडित को तेरे पास भेजता है उसे 10 खोखा देने का। ए पंडित इसके पास जाने का 10 खोखा लेने का। वड़ी में 10 खोखे का इंतजाम कहां से करूंगा मुन्ना भाई? भाई साला आवाज नहीं करने का नहीं तो माथे पे गोटी खेलने का छेद बना डालेगा। मैं भेजता इसको पूरा 10 खोखा मांगता मेरे को। थड़ाने के बाद जाने का देगा तो ठीक नहीं तो साले को वही टपका डालूंगा। मैं ऐसा बोला क्या? इसको इसका घर पे मारेगा तो अपना दहशत कैसे फैलेगा? इसको इसका गादी पे मारने का सबके सामने खुले बाजार में और मारने से पहले फील्डिंग लगाने का मार्केट से लेके वीटी तक। चल ये गंजे में डाल। मुंबई देख जो कुछ तुमने किया है उसका स्टेटमेंट दे नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। नहीं साहब एनकाउंटर मत कीजिए साहब अपन आपको सब कुछ सच सच बताएगा साहब। क्या रे तू यहाँ क्या कर रहा है पाटिल? अरे तुझे तो इस वक्त मुन्ना भाई के पास होना चाहिए था पाटिल। और ये तेरे हाथ में क्या हुआ? गोली लगी है हाथ में ही नहीं पैर में भी। किसने मारी? मैंने। तूने मारी? लेकिन तू होता कौन है गोली मारने वाला? ये 4 गैंगस्टर एक बिजनेसमैन को मारकर भाग रहे थे। और तेरे पास लाइसेंस है इस पिस्तौल का? है दिखाऊं? अरे सरकार तेरे को लाइसेंस देगी तो क्या तू ऐसे शरीफ नागरिकों को गोली मारेगा है? ये शरीफ आदमी नहीं गैंगस्टर है। अच्छा तेरे पास सबूत है इसका? अबे मैं यहाँ का ACP हूँ अब तेरे जैसे लोग सिखाएंगे मुझे? ए राणे छीन इसका पिस्तौल डाल हवाला हाथ में साले को मैं बताता हूँ कानून क्या होता है। नहीं राणे नहीं तुम दोनों की वर्दी उतर जाएगी। ये DCP भगत पांडे है। सॉरी आई एम सॉरी साहब। अरे जाके रिपोर्ट लिखो ना साहब रिपोर्ट लिखवानी आई थी। पाटिल तेरे जैसे आस्तीन के सांप तो हमारे डिपार्टमेंट में हर जगह होते हैं। घबराओ नहीं वक्त आने पर आस्तीन से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। फिलहाल इसे हवालात में डालो और कमिश्नर साहब को फोन मिलाओ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। यस सर। बैठिए। उस शूटर को डायरेक्ट कोर्ट में पेश करना चाहेंगे या कुछ दिन अपनी कस्टडी में रखना चाहेंगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर आधा तो वो उगल चुका है आधा आज रात को उगलवा लूंगा। वैसे उसने किसी मुन्ना का नाम लिया है। ये है मुन्ना ये है गुरु ये दोनों अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। ये है बाबू बख्शी इससे MP पटेल की सपोर्ट है और ये है गोविंद रेड़ा ये मंत्री भवानी चौधरी का खास आदमी है। भवानी चौधरी और MP पटेल कल तक अलग अलग पार्टी में थे और अब दोनों साथ साथ हैं। जी हाँ पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि MP पटेल ने 20 MLA की सपोर्ट देकर चौधरी की सरकार खड़ी करवाई थी। बाबू बख्शी और गोविंद रेड़ा कल तक ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली है ये भी अपने नेताओं की तरह दोनों डॉन एक होने जा रहे हैं। भाई लोग समझते हैं कि हम एक होने जा रहे हैं बल त्याना माहित नवे कि हम तो पहले ही से एक हो चुके हैं। We are made for each other समझे।
अरे पंडित जी, थारे को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? दाओ की कुर्सी पर जिसे हमने बिठाया है, आज वही हमें आंखें दिखा रहा है। अरे देखो नेताजी, जब मारे को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो तन्ने तो मारे को आंख दिखा दी थी। भले लाख दुश्मनी से ही, पटेल और परमार से पार्टी भी अलग अलग थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 20 एमएलए का सपोर्ट देकर मारी सरकार खड़ी की। यो हमने मंत्री पद दे डाला परमार साहब को, यो पटेल एमपी साहब आज मारो खास आदमी है। मैं क्या बोलता हूँ, वो जो बाबू बख्शी है वो अमीर आदमी है, और वो जो गोविंद एड़ा है ना, वो चौधरी साहब का आदमी है। दोनों अंडरवर्ल्ड के डॉन, एक दूसरे के जानी दुश्मन, लेकिन जब हम लोग एक हुए तो उनको भी मांडोली करनी पड़ी। मैं जानता हूँ, तभी तो आज मैं आपके पास आया हूँ उस गुरु से हिसाब किताब बराबर करने के लिए। मैं क्या बोलता हूँ सिंह साहब, हम जो नेता लोग है ना, एक ही थाली की बीगन, लेकिन आप तो यार बिना बेंदी के लूटे हैं यार, वो भी बड़ा साइज के। अरे इनसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है चौधरी साहब, समझते न थी? अरे भाई नेताजी, हम तारे जैसे टुच्चे काम नहीं करते, काम करने का अपना अपना अंदाज होता है। वो इंस्पेक्टर सुखदेव मारे खिलाफ फड़फड़ाया आज जेल की सलाखों के पीछे, और वो दाऊ इलेक्शन लड़ने जा रहा था और मैंने उसे ऊपर भेज दिया। अभी वो ऊपर इलेक्शन लड़ रहा होगा क्योंकि अपन थोड़ा याड़ा है। नाम गोविंद याड़ा। अपन कौन? गोविंद याड़ा। यस, जिस दिन गुरु को टपकाने का होगा ना, अपन से बात करना, अपनी सुपारी सामने रख के अपन उसको टपका डालेगा, क्योंकि अपन कौन? गोविंद याड़ा। तेरा दादा याड़ा, तेरा पूरा खानदान याड़ा, अपन थोड़ा याड़ा है। नाम गोविंद याड़ा है। हाँ, सुपारी लेता है फिर गेम बजा डालता है क्या? और अपन को भी लोग बाबू भाई के नाम से जानता है क्या? बाबू बोले तो दिमाग वाला भाई, क्या बोलता है? बरोबर बोलता है तू। वो इंस्पेक्टर सुखदेव को अपन ने सस्पेंड कराया, और उसी के डिपार्टमेंट के लोग से, पर साला उन हलकट लोग से अपना भी भरोसा उठ गया है। साला जो खुद के डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता, अपना कैसा हो सकता है? और तू बोलता है अपन तेरा मदद करने का, अरे साला गुरु तेरा खास आदमी, तू उसका नहीं हो सकता तो अपना कैसा हो सकता है? भाई हम नेता लोग तो ऐसे ही होते हैं, जब तक आदमी हमारे काम का होता है तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और जब आदमी हमारे काम का नहीं रहता तो हम उसे खत्म करा देते हैं। अरे इब तू भी मारे किसी काम का नहीं रिया से, इससे पहले के मारा दिमाग खिसके तू यहाँ से निकल ले। चला नेता जी, निकल चलो यहाँ से। ए छोटे, कल जाके उस गुरु के छोकर को टपका डाल, पुलिस समझोगे उसे गुरु या मुन्ना ने टपकाया क्या? लेकिन किधर भाई? कल डीसीपी भगत कोर्ट लेके जाने वाला है उसको, उधर ही टपका डालने का उसको। पागल हो गया क्या तू? गोविंद भाई का आदमी है, साले गोली इधर उधर चला ताकि चार पैसे पकड़ में, समझा? देख ऐसे। कौन है ये मुजरिम जिसने कानून की मदद की है? सर, ये है सस्पेंडेड सीनियर इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह। पाटिल और राणे, जिस दिन मैं जेल से निकलूं अपने दिन गिनने शुरू कर देना। जय जय हिंद सर। यस सर, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। बैठिए।
सर, तबादले तो मेरे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मुझे आपके अंडर काम करना है तो गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। जानता हूं सर। फिर ऐसा क्यों कि आप जैसे ऑनेस्ट, निडर और एक साहसी ऑफिसर के होते हुए सुखदेव सिंह जैसा ऑफिसर सलाखों के पीछे? हम पुलिस वालों की पहुंच पुलिस स्टेशन तक होती है, कोर्ट पहुंचने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। सीनियर इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को इस तरह फंसाया गया है कि केस हमारी पहुंच से बाहर है, और उसको फंसाने में कोई और नहीं, हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं। सर, आप ही के डिपार्टमेंट का ये भगत पांडे उसे बाहर निकालेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट भगत। थैंक यू सर। मगर संभालना, वो लोग बहुत शातिर हैं। सुखदेव को खोकर मैं टूट गया हूं, अगर मैंने तुम्हें खोया तो बिखर जाऊंगा। डोंट वरी सर, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देख इन चेहरों को, कितना दर्द, कितना खौफ है इन चेहरों पर। इन आंखों में झांक कर देख, मां की ममता मजबूरी की जंजीरों में जकड़ी नजर आएगी, एकदम बेबस और लाचार। और ये बदनसीब, कितने अरमानों के साथ इसके माता पिता ने तुम्हारे साथ इसे विदा किया था, क्या मिला इसे? एक ऐसे पति का साथ जिसके साथ आज कोई नहीं। अगर तुमने अपने साथियों के खिलाफ जबान खोली तो वो गोली मार देंगे, मौका मिला तो राइवल गैंग वाले। अगर इन सबसे बच गए तो मुझ जैसा कोई पुलिस वाला गोली मार देगा। इसे मारना नहीं साहेब, ये अभी कुछ नहीं करेगा साहेब। ये सुधर जाएंगे साहेब। देखा, इसे कहते हैं मां की ममता। बेटे की मौत का जिक्र सुनते ही कलेजा मुंह को आ गया, और तुम्हारी पत्नी विधवा होने के ख्याल से ही सिहर उठी। अगर तू सचमुच टपक गया तो जरा सोच इन लोगों का क्या होगा। बस अब बस, बहुत हो गया साहब। क्या बहुत हो गया? तुम जैसे दादा लोग, भाई लोग जिस गलत राह को चुनते हैं उसका अंत मौत की चौखट पर होता है, और जिंदगी जेल की चौखट पर गुजर जाती है। घर वाले जेल के दरवाजे पर टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं, और तुम्हारे पीछे पागल कुत्ते की तरह भागते भागते कचहरी तक पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा बच जाएगा। कभी उम्मीद बनती है, कभी टूटती है, लेकिन तुम्हारे और इनके बीच वक्त का पहिया यूं ही घूमता रहता है। तुम्हारा खुद का जीवन नर्क और इनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। कभी बंदूक और हथकड़ी से नजर हटे तो इन आंखों में झांक कर देखना, शायद तुम्हारे अंदर जानवर से आदमी बनने की चाह पैदा हो जाए। अपुन का दिमाग फट जाएगा साहब। साहब, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब अपुन को अपुन को ये भाई बनने का शौक चढ़ाया था। साहब, अपुन को बचा लो साहब, अपुन को बचा लो साहब। माता जी, आप लोग जाइए, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। साहब सुधरने का मौका दे रहे हैं तो पूरी कोशिश करो सुधरने की। इसका ध्यान रखिए। अरे ये मत कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। सुखदेव सिंह के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ। साहब, एसीपी पाटिल और राणे ने मिलकर उन्हें फंसाया है। मंत्री भवानी चौधरी, परमार और एमपी पटेल, तीनों के इशारे पर। और साहब, बाबू बख्शी का भी हाथ है। गुरु का हाथ भी तो हो सकता है। नहीं साहब, सुखदेव साहब तो खुद गुरु की मदद करना चाहते थे। सुखदेव सिंह और क्रिमिनल की हेल्प? वो क्रिमिनल नहीं था साहब, हालात ने उसे क्रिमिनल बना दिया। वो एक क्रांतिकारी दादा का पोता और शहीद का बेटा है साहब। एमएससी पास, इतना पढ़ाई लिखाई कराने के बाद भी उसका क्रांतिकारी दादा नेताओं के सामने उसका नौकरी के लिए भीख मांगता फिरता था, और जब इंसाफ नहीं मिला तो वो क्रांतिकारी अपना हक के लिए लड़ने लगा और नेता लोग घबरा गए। इसका पहले भी एक मंत्री ने क्रांतिकारी से पंगा लिया था तो उसको अपना कुर्सी खोना पड़ा था। बस यही डर से वो मंत्री लोग थड़ानी का हेल्प से उसका घर बार बिकवा के उसको दिल्ली से मुंबई भिजवा दिया साहब। ए, 26 का ख्याल रखने का। क्या बेड़ो, इस टेंशन को दूर कर डालता है। क्या बना भाई? बाऊ इसकी 26 तो रूटे लिए। हेलो, मेरा नाम राजगुरु है। मुन्ना, यही आपकी बस्ती में रहने आया हूँ, सामान उतारने के लिए हेल्प चाहिए। अरे तुम लोग देख क्या रहे, भाई का मदद करने का ना। थैंक यू साला।
एक्सक्यूज मी, मेरा नाम राजनाथ गुरु। तुम शिवाजी नगर में रहते हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? तुम्हारे बाजू में जो घर है ना, मैं वहीं रहती हूँ। ओह, आई सी। बोलो, कैसे आना हुआ? मुझे थरानी साहब से मिलना है। वो बहुत बिजी आदमी है, जल्दी किसी से मिलते नहीं। मुझसे जरूर मिलेंगे, उन्होंने मुझे दिल्ली से यहाँ बुलाया है। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। सर, कोई मिस्टर राजनाथ गुरु आपसे मिलना है। बड़ी कौन गुरु, उसको बोलो टेलीफोन करके आए नहीं, अपॉइंटमेंट लेके आए। तुम्हें फोन करके आने के लिए कहा है। ये मेरे सर्टिफिकेट्स अपने पास रख लीजिए, चांस मिले तो अपने बॉस को दिखा देना। ओके, नमस्ते। अब उन शाम को वसूली पे जाएगा दाव, उधर से सीधा तुम्हारे पास आएगा। कैसे हो मुन्ना भाई? ए, भाई किसको बोलते रे? तुम लोग आप उनका यार दोस्त है ना? मुन्ना बोले का मुन्ना। मुन्ना ये अपना दोस्त है गुरु। हाँ जानता है, क्रांतिकारी दादाजी का पोता, मिल चुका है। कैसा है बड़ू? अच्छा हूँ, मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। अच्छा, आप लोग बात करिए, मैं फोन करके आता हूँ। ए किधर जाता है, ये लेना मोबाइल से कर। नहीं, मैं पीसीओ से करता हूँ, इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे ना। अरे भगवान का दिया, उनके पास सब कुछ है, टेंशन क्या लेता है, लेकर चल। ए मुन्ना, भगवान का दिया या भाईगिरी का? ए दिनियो, भाईगिरी कोई खाने का काम नहीं है, बहुत टेंशन लेना पड़ता है, समझा क्या? ए अपन जिस दिन भाई बनेगा ना, बिना टेंशन का बनेगा क्या, उस दिन तुम लोग सब लोग देखता रहेगा। जब बनेगा तब देखेगा। ले गुरु फोन लगा। 446-2151। हेलो, मैं राजनाथ गुरु बोल रहा हूँ, थड़ानी साहब से बात करा देंगे क्या? कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, कहीं और ट्राई करूं। ए, क्या हुआ? उसने हमें घर से बेघर करके दिल्ली से यहाँ बुला लिया, और अब पता चला कि वो कोई नौकरी वोकरी नहीं देगा। क्या मतलब, उसके बाप का राज है क्या? फोन इधर दे। अरे ये तो अपनी चिकनी का नंबर है। कौन चिकनी? अरे तेरी बाजू वाली यार, टांगा बढ़ता है तो बिड़ा डाल, अच्छी लड़की है। क्या है ना, इस टेंशन को दूर कर डालता है। हेलो दाव भाई। ए थड़ानी, मैं दाव नहीं मुन्ना बोलता है, दाव से पंगा लिया तो ठीक है, लेकिन मेरे से पंगा नहीं लेने का। क्या शायद तुझे मालूम नहीं है मुन्ना, मेरी दिल्ली तक पहुंच है नहीं। ए, और मेरी पहुंच यमराज तक, ज्यादा मचमच नहीं करने का, समझा क्या? आप उनके दोस्त को बुलाकर उल्लू बनाता है इधर, मैं उसको बेचता और उसको फिट करने का है, और अबेच समझा ना, नहीं तो टपका डालेगा उधर आकर। ठीक है, वड़ी तू भेज दे साईं, वो दोस्ती करना भूल जाएगा नहीं, और तू निभाना। हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? थड़ानी साहब से मिलने। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? अंदर पुलिस बैठी है, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना अगर बॉस ने तुम्हें देख लिया इंस्पेक्टर, तो पुलिस के हवाले कर। यही है वो, डोंट मूव, वरना गोली मार दूंगा, हाथ उठा, तलाश लो इसकी। He's clean सर, कुछ नहीं इसके पास। एक्सट्रॉशन मनी चाहिए। सर कैसी एक्सट्रॉशन मनी सर, मैं तो यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया हूँ, इन्होंने दादा से प्रॉमिस किया था सर। एक कौन सा दादा, किस इलाके का रे? हैं? सर वो वाला दादा नहीं, इन्होंने मेरे दादाजी से प्रॉमिस किया था सर, मेरे दादाजी से। ए नाटक कर रहा है साले तू, किसके नाम पे छोड़ रहा है, बोल किसके, कौन भाई है तेरा? सर मेरा कोई भाई नहीं है, घर में बस दादा दादी है, एक माँ है और एक बहन है सर, और कोई नहीं है। मैं बताता हूँ। सर वो बिल्कुल इनोसेंट है। तुम कैसे जानती हो उसे? सर वो एक बार पहले भी यहाँ कर गया था नौकरी के लिए, और उसने बॉस को दिखाने के लिए अपने सर्टिफिकेट्स में मेरे पास छोड़े थे। सर वो एक क्रांतिकारी का पोता है, एक शहीद का बेटा, उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि वो इनोसेंट है। थरानी ने कुछ राजनेताओं के इशारों पर उसके घर बार को भिगवाकर उसे दिल्ली से यहां फेंक दिया। आपसे कितनी एक्सट्रॉशन मनी मांगी थी उसने? बड़ी 25 लाख मांगा था नहीं?
फोन पर तो तुमने 50 लाख कहा था ना। और शर्मा जी, ये जो तुम इनसे सर सर करके बात कर रहे हो, कभी गरीबों से भी इस तरह बात कर लिया करो। उनकी तो ठीक से कंप्लेन लिखने तक की फुर्सत नहीं होती हमारे डिपार्टमेंट के पास। राजनाथ गुरु को बुलाओ प्लीज। आप जरा खड़े हो जाइए जी। मैंने आपसे खड़े होने के लिए कहा है, और जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए इसी तरह खड़े रहना। बैठो। माफी चाहता हूं राजनाथ, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें खासी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। सर, बेइज्जती तो हम गरीबों की किस्मत में लिखी होती है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं। प्रथम श्रेणी में एमएससी पास करने के बाद तुम जैसे पोस्ट ग्रेजुएट को ऐसे घटिया लोगों के दफ्तर में काम के लिए चक्कर लगाना पड़े, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है तुम्हारा। यू आर इंसल्टिंग मी इंस्पेक्टर। अंग्रेजी का रौब झाड़ के तू मुझे डरा रहा। माइंड योर लैंग्वेज, मेरा दिल्ली तक पहुंच है नहीं। निजी आवाज में बात कर, वरना एक शरीफ आदमी को झूठे केस में फंसाने के चक्कर में तुझे अंदर डाल दूंगा। और रही तेरी दिल्ली की पहुंच की बात, तो इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अपनी इस पहुंच को तू अपने तक सीमित रख, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी यह पहुंच तुझे ऊपर पहुंचा दे। आप दोनों जा सकते हैं, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। कुछ बोलो। क्या बोलो? तुम फिर खामोश हो गए, क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, हिसाब लगा रहा हूँ एक क्रांतिकारी की कुर्बानियों का और इन राजनेताओं के एहसानों का। कहीं तुम बदला बदला लेने की तो नहीं सोच रहे हो? मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। बहन की शादी नजदीक आती जा रही है, दादा को लगता है कि मैं रोज नौकरी पर जाता हूँ, और मेरे पास दूर तक कोई बंदोबस्त नहीं है। तुम सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कह देते? फायदा? अभी मैं अकेला टेंशन में हूं, फिर सब टेंशन में हो जाएंगे। मैं ये नकली हंसी हंस भी लेता हूं, लेकिन उनसे तो उनकी मुस्कुराहट, सुखचैन सब कुछ छिन जाएगा। Yes, you're right. लेकिन जब शादी का समय एकदम सर पर आ जाएगा तब क्या करोगे? समय खुद समाधान लेकर आता है। दिवाली के दिए कोठियों और बंगलों में भी जलते हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में भी। वो गरीब जो दो वक्त की रोटी बामुश्किल जुटा पाता है, वक्त आने पर त्योहार भी धूमधाम से मनाता है। बस वैसे ही जब समय आएगा तब मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। कैसे होगी, कब और किन हालात में होगी, ये बस वो ऊपर वाला ही जानता है। कभी किसी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े तो दिल खोल कर कह देना, मुझे गैर मत समझना। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी खातिर अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, इतनी परेशानी उठाई, कोई गैर तो ये सब नहीं कर सकता। आखिर क्या रिश्ता था मुझसे? प्यार का रिश्ता। ऐसा लोग कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। चेहरे की क्या बात यार, मासूम चेहरे की क्या बात यार, हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। चारों तरफ हमको तो होने लगा है प्यार,
सबके बचाया है हम उस फिल्म प्रोड्यूसर कॉरपोरेटर मिल ओनर को तुम ही लोगों ने मारा है ना? हाँ? नहीं साहब, उन लोगों को मारने में अपना कोई हाथ नहीं है साहब। नाम ले, हाथ खड़ी खोल सालों की। नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। साहब, हमें कटने मत मारिए। मूव। बाबू भाई, मेरी बात तो सुनो बाबू भाई। मैंने हर बार आपको टाइम पे इन्फॉर्म किया कि नहीं किया ना? हाँ, इस बार मुझे पता ही नहीं लगा कि उसने अरेस्ट कब किया। अब जैसे मुझे खबर लगी कि आपके छोकरे लोगों को उसने एनकाउंटर कर दिया है, मैं आपको फोन कर रहा हूँ ना। लेकिन साला ये तो बोल सकता था, वो साला हरामी अपना छोकरा लोग को अरेस्ट किया है, मैं मिनिस्टर को बोल के उसको छुड़वा तो सकता था। देखो बाबू भाई, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे एक बार ACP बना दो, फिर देखो। अरे बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कुछ खबर तो देना मांगता था कि नहीं? इसे कुछ नहीं मालूम रे सुअर के पिल्ले। ए भाई बोल भाई, बाबू भाई। वही तो बोला मैं, बाबू पिल्ला। अभी सुन, तेरे उन छोकरों को मैंने परसों गिरफ्तार किया और आज मेरा मूड हुआ तो मैंने उनको गोली मार दी। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं तुझे, तेरे उस भवानी चौधरी और मंत्री परमार को भी ऐसे ही कुत्ते की मौत मारूंगा, क्योंकि तेरे उन छोकरों ने मरने के पहले मुझे बता दिया है। मेरे पास उनके पकड़ इसको, मेरे पास उनके वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हैं ऑडियो कैसेट में, जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं और मेरी परछाई भी नहीं जानती। वो कैसेट का तुमको कितना पैसा चाहिए? आपन आपली पार्टी से बोल के दिलवा देगा ना? अबे हट साले दल बदलू, उसका इस्तेमाल तो मैं तब करूंगा जब मैं तुझे गोली मार दूंगा। भवानी भाई, तो माजी डेड बॉडी को सल्यूट मारने की बात कर रहा है। और आप डर गए? साला इस कुर्सी पे तुम बैठना मांगता था और इस साले डरपोक को तुमने मंत्री बना दिया। बाबू भाई, अबे चुप बैठ कर मेरा बात सुनने का। मैंने इलेक्शन में तुम्हारा पार्टी को जिताने का वादा किया था, जिताना? तुम लोगों ने मेरा बच्चा लोग को बचाने का वादा किया था, किधर बचाया? साला वो सुखदेव टपका डाला ना मेरा आदमी लोग को, मेरे को मारने का बात करता है और तुम लोग इधर बैठ के मजे बजाते हैं साला। अभी मैं क्या बोलेगा बाबू भाई, सब किस्मत का खेल है यार, किस्मत का खेल है। अगर मेरा पार्टी मेरे को कोई मंत्री संतरी बना दिया होता ना, तो मैं कब का सुखदेव को सुख का नींद सुलवा दिया होता। तुम साला कभी का बात करता है, मैं अभी का बात करता है। अभी मांगता है तो साला उस सुखदेव को टपका सकता है मैं, लेकिन वो पुलिस वाले को मारने का बोला ना, बहुत राड़े का काम होता है, अपना साला पूरा गैंग पूरा कंपनी टेंशन में आ सकता है। अरे बाबू भाई, तने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओ सुखदेव का बही खाता ही मैं लिखूंगा। ये ले, मैं बंगड़ी पहन के बैठता हूँ, तू टपका साले को। ये छोटे इनको भी एक एक दे दे। नदी, दूर रखो, मेरे से दूर रखो, मेरे को डर लगता है। मैं क्या बोलता हूँ बाबू भाई? ओ तू चुप कर रहे पटेल, ये मैं समझाता हूँ बाबा ने। बाबू भाई, हम जैसे नेता गोड़ी चढ़ाते नहीं है, चढ़वाते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में ना है, सारे संसार में हारे जैसे दाता भाई ग्रोबन इसलिए बड़े बड़े नाम कमा लेते, पैसा कमा लेते,
क्योंकि इनके पीठ पर हम जैसे नेताओं का हाथ होता है। इसलिए बात समझ में आई है कि ना आई है? घोड़ी तू ही चढ़ाएगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब। ए दुनिया, क्या कह रहे तेरे को? काय को खड़ी खड़ी सब काम पे आता है? ए भाई, बनने का है अपन को। दुनिया तुम नशे में हो, उधर पुलिस भी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे डरता क्या अपन है? ये साला क्या करेगा? ये इंस्पेक्टर अपन का क्या करेगा? जानते क्या तू मेरे को? जानते क्या? दुनिया 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 भाई बोल रहा भाई के तो ढाई। ए पांडू, ये जरा हाथ में दे। ए बस्ती वाला लोग, अपन छूट के आएगा ना तो अपन को भाई बोलने का भाई। ए मुन्ना, जब अपन छूट के आएगा ना तो अपन को सलाम मारने का भाई बोलने का। भाई बोलने का क्या अपन को? चल क्या बात है बेटा, अच्छा खासा नाच गाना चल रहा था, फिर अचानक ये हंगामा क्यों? और ये दुनिया बेटे को पुलिस क्यों पकड़ कर ले जा रही है? दादाजी वो क्या ना दादू, मेरा गाड़ी वीडी देखकर दुनिया को भी भाई बनने का शौक चल रहा है। अरे तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी बेटा, यहाँ तो लड़कियां भी हैं, दो चार से कह के उसके हाथ पर राखी बंधवा देते, उसकी भाई बनने की तमन्ना भी पूरी हो जाती, और बेटा ये पुलिस का चक्कर भी ना पड़ता। दादाजी, यहाँ भाई का मतलब वो नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। इसमें यहाँ और वहाँ क्या बेटा, पूरे हिंदुस्तान में हम भाई को तो भाई कहते हैं। क्यों? जो अपनी बहनों की रक्षा करता है, उनकी आबरू बचाता है, हम उसे ही तो भाई कहते हैं। मैं समझाता हूँ दादू, आपके दली भी पंजाब में जो गुंडागिरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाई उन्हें तो हम गुंडा बदमाश कहते हैं, उसको इधर भाई बोलते हैं। वाह बेटा वाह, पहले तो दादा जैसे पवित्र नाम को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, और अब भाई के नाम को भी नहीं बख्शा। क्या हमने इसीलिए देश को आजाद कराया था? चल बेटा चल, रात बहुत हो गई, तू चलकर सो जा, और देख तू जो है ना, अपनी बहन का ही भाई बनकर रहना, ये बंबई का भाई भाई मत बनना। क्या बोला बे? नमस्ते सर। तेरी तो सर कौन है? उधर गरबे पे हंगामा किया और बोला कि मेरे को भाई बनने का है। तू तो शिवाजी नगर का छोकरा है ना? टैक्सी चलाता है तुझी? सर मैं सोच रहा हूँ किसी पेंडिंग पड़े मर्डर केस में इसे डाल देते। अगर आज हमने इसे किसी झूठे केस में फंसाया तो कल को सचमुच ये भाई गुंडा या डॉन बन जाएगा। हमारा काम जुर्म को खत्म करना है, ना कि उसे बढ़ावा देना। इसने पब्लिक प्लेस पे हंगामा किया है ना? जी। तेरे पंचुए लगा इस पे, 10-15 दिन अंदर रहेगा तो खुद सुधर जाएगा। सुन, अगर आज के बाद तूने भाई बनने का सोचा भी ना तो मैं 53 नहीं लगाऊंगा, सीधा तेरा एनकाउंटर करूंगा। मेरा नाम सुखदेव सिंह, एनकाउंटर है। सब अब भाई तो क्या, बहन भी नहीं बनने का, नहीं बनने का साहब। ए दुनिया, पुलिस ए दुनिया ने भाई बोलने का क्या? भाई बोलेगा दुनिया भाई। दुनिया उस नौकरी का क्या हुआ जिसके लिए तुम गई थी? मिल गई। यार तुम लड़कियों का कमाल है, फटाक से नौकरी मिल जाती है, और यहाँ जूते घिस गए, ये देखो सोल में होल हो गए। देखो तो मैं नौकरी दिलवा सकूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं। हाँ तुम्हारे जूतों में सोल जरूर लगवा सकती हूँ। सोल का हो तलवे तक आ गया है, जिस दिन तलवा घिसने लगा उस दिन जूते ही बदल दूंगा। क्या? तुम भी ना। हाय हाय, कैन आई गिव यू अ लिफ्ट? नहीं कहीं नहीं जाना है, मैं तो बस यूं ही इनसे बातें कर रही हूँ। ओके चल बाय। तुम उसके साथ गई क्यों नहीं? अगर मैं दो कदम उसके साथ चलती तो
तो बदनामी चार कदम मेरे साथ चलती। लेकिन तुम दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हो। कभी हम अच्छे दोस्त थे। क्यों? दोनों ने किसी एक ही लड़के से प्यार किया और किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ी। हाँ, कुर्बानी ही तो दी है इस बिचारे ने, लेकिन किसी लड़के के लिए नहीं, अपने परिवार की खातिर। मैं तो अब भी चाहती हूँ कि मैं इससे अपनी दोस्ती रखूं, लेकिन हालात और समाज इस बात की इजाजत नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये एक बियर बार डांसर है। इसकी मजबूरियों ने इसे एक घरेलू लड़की से बियर बार डांसर बना दिया। इसके घर वालों ने इसकी शादी तय की थी, मगर आखिरी वक्त तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया और भारत वापस चली गई। बाप को हार्ट अटैक हो गया, भाई ने खुदकुशी कर ली और घर वालों की सारी जिम्मेदारियां इस गरीब पर आन पड़ी और हालात उसने इसका सब कुछ छीन लिया। इसके घर वालों ने इसकी शादी तय की थी, मगर आखिरी वक्त तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया और भारत वापस चली गई। बाप को हार्ट अटैक हो गया, भाई ने खुदकुशी कर ली। डेविड, मुन्ना कहाँ है? नहीं मानेगा तो उसको टपका डालने का। क्या मुन्ना, मुझे दाऊ के पास ले चल। तेरी हट गई क्या? तेरे को मालूम है दाऊ कौन है? जानता हूँ, इसलिए तेरे पास आया हूँ। दाऊ के पास जाकर उसके लिए काम करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मुन्ना। लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं और डर कर उठ जाते हैं। मैंने जागते हुए सपना देखा है, बहुत खतरनाक सपना। देख मुन्ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की बारात दरवाजे पर आकर वापस चली जाए। 10 दिन रह गए उसकी शादी को और मैं, मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। फिलहाल मेरे पास एक पेटी है, उसे तू रख। उससे कुछ नहीं होगा मुन्ना, बारात पंजाब से आएगी, उनके रहने का खर्च, शादी का खर्च। मुझे दाऊ के पास ले चल, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देख, टेंशन नहीं लेने का, 1,00,000 रुपया मैं तुझको देता है और बाकी 2-5 लाख का मदद अपन दाऊ से मांग सकता है। उसके वास्ते किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। बहुत नौकरी के दरवाजे खटखटा लिए, अब और नहीं। मुन्ना मेरे दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मुझे दाऊ से मिलवा दे। मुन्ना मिलवा देना यार। मिलाता है, कसम देने का क्या जरूरत है? ए राजू, फोन दे। उठाया। दाओ। ए दाओ, मुन्ना बोलता है। वो अपन तुमको बोला ना अपना दोस्त के बारे में राजगुरु, वो आपसे मिलना मांगता है। काय को? आपके वास्ते काम करना मांगता है। दोस्त है तो उसे 2-5 पेटी दे के मदद करने का, इधर काय को घसीटता है? उसका बहन का शादी आंग पे आयला है, वो थोड़ा परेशानी में है। उसको मदद नहीं धंधा मांगता है, वो अपना पैरों पे खड़ा होना मांगता है। कल्याण, बेटा तेरो दिल बड़ो है। बिल्कुल, तू तो गरीबन को मसीहा है। गांव में सबको राम राम कह दियो दाऊ, और अपना ख्याल रखना, और अगली बार आना 3-4 दिन के लिए। प्रणाम। खुश रहो बेटा, भगवान तुमको सुखी रखे। अच्छा दाऊ, गाड़ी में रख दो सामान। अच्छा दाऊ। अच्छा बेटा, राम राम। कमाल है दाऊ, अक्खा मुंबई तुमको दाऊ कह के बोलता है और तुम इस चीचा को दाऊ बोलते। चीचा नहीं है, आई है मेरा मामा का लड़का। हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बड़ा भाई को दाऊ कहते हैं। कृष्ण जी भी बलराम को दाऊच बोलते थे। क्या नाम है तेरा? गुरु, राजनाथ गुरु। बैठ भाई, तेरा कहानी सुना। बहन का शादी? हाँ, वैसे तो बोलता तो मैं तेरा मदद कर सकता है, पर मुन्ना बोलता है तू खुददार आदमी है, कुछ करने को मांगता है तभी तो पैसा लेगा। बराबर है, बराबर है।
मेरे को भी जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ नेता लोगों से मेरा बिगाड़ हो गया है, इसलिए वो पुलिस वालों से कह के मेरा छोकरा लोगों का एनकाउंटर करा दिया। ये मुन्ना भी वांटेड है। तू नया छोकरा है, तेरे को कोई नहीं पहचानता है। ये कांति भाई है, मैं इससे एक खोखा मांगा है, तो इसे एक खोखा लेकर आएगा, मैं तुझे 10 पेटी देगा, 10 लाख। मेरा बहन का शादी चकाचक हो जाएगा। मस्त ये चलाए कभी? हाँ, एनसीसी में राइफल चलाई है। उधर आदेश मिला होगा, इधर मजबूरी है। मजबूरी में तो आदमी कुछ भी चला लेता है, अगर वो ना बोलता है तो ऐसे लॉक खोलने का और उसे गोली मारने का। मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा, तेरे बहन का शादी हो जाएगा, नीचे गाड़ी है, ड्राइवर भी, नया छोकरा है तेरा माफिक, फोटो के पीछे कांति बाई का एड्रेस है। दाओ मेरा नाम राजनाथ गुरु है, दाऊ ने भेजा है। मारे करने भी दाऊ का फोन आयो है, लेकिन भाई जी बड़ी मुश्किल से मैं 50 लाख तक का ही बंदोबस्त कर पाया हूँ। बंदोबस्त कर पाया हूँ? हाँ भाई जी, मेरे करने तो सिर्फ 30 लाख ही था, बाकी ब्याज के ऊपर दूसरा चरण उठायो। ब्याज पर? हाँ भाई जी। पैसे कहाँ हैं? पिसाटे है जी, ए लियो भाई जी। इसको तो हर बात पे टेंशन हो जाता है। मुन्ना दाऊ को फोन दे। अरे हमसे 5 पेटी लिया था ये आउट होने का। ए दाऊ, कौन? गुरु का फोन है। हाँ, इधर दुखों का और लगाने का। हाँ बोल। दाऊ इसके पास सिर्फ 30 लाख है, बाकी इसने कर्जा लिया है अपनी जान बचाने के लिए, ब्याज पर। अरे इनका बात नहीं सुनने का, धंधे वाला लोग ऐसे ही बात करता है। अरे कनपटी पे दे साले को एक। ये झूठ नहीं, सच बोल रहा है दाऊ, सच बोल रहा है। मैं एक क्रांतिकारी का पोता हूं और एक शहीद का बेटा हूं। मैंने बचपन से अपने घर में ईमानदारी और सच्चाई को पनपते हुए देखा है। अगर आपको 30 लाख रुपए चाहिए तो लेकर आता हूं, लेकिन मैं एक बेबस और मजबूर आदमी को गोली नहीं मारूंगा और ना ही किसी को मारने दूंगा। जिसने पैदा किया है वो मेरी बहन की शादी भी करवाए। दाओ, ये पूरे 30 लाख हैं। बैठ। तो जब मेरे पे भड़का तो मेरे को ऐसा लगा जैसे बीते कल का दाऊ बोल रहा है। एक टाइम था मैं बिल्कुल तेरे जैसे था, एकदम ईमानदार, उसूल वाला। वैसे आज भी ईमानदारी और उसूल का दामन में नहीं छोड़ेला है, सिर्फ अपन का धंधा कुछ बदल गया है। उस टाइम में मास्टर था, सीधा साधा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जलिया का मास्टर भान से। बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता पूरा गांव मेरे को। मैं जिधर जाता था, राम राम माट साहब, नमस्कार माट साहब, कैसे है माट साहब, अच्छा लगता था मेरे को। एक बार दशहरे का टाइम हुआ, हाँ, मेरा सग्गा चाचा का छोकरा लोग मेरा जमीन मेरा जायदाद पे कब्जा कर लिया, मेरे घर से मेरे को बाहर कर दिया। मेरा बूढ़ा मां जो उधर रहता था उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो। मैं मास्टर कानून का बात ही जानता था और कुछ जानता नहीं था। मैं कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून का दरवाजा नहीं खुला। हाँ, मेरा भाई लोगों ने मेरे वास्ते हवालात का दरवाजा जरूर खुलवा दिया, इंस्पेक्टर को खरीद दिया मेरे को। 4 दिन 4 रात खूब मारा, आज भी घुटना दर्द करता है।
लेकिन उस दिन इतना बुरा नहीं लगा। अखा गांव के सामने जिस गांव में मेरा इतना इज्जत था, वो लोग चोर बोल के मेरे को नंगा धोड़ाया और गांव के कुएं के अंदर अधमरा करके लटका दिया। लेकिन मेरे को मारा नहीं वो लोग, यही गलती किया वो। लेकिन जब मेरे को मौका मिला, मैं एक एक को टपकाया, ये गलती मैं नहीं किया। मेरे चाचा के लड़कों को उनके घर के सामने उड़ाया मैंने, और उस कोतवाल को उस कुएं के सामने, और फिर भागकर मैं आ गया मुंबई। पहले बना एक छोटा सा प्यादा, उसके बाद बना हिटमैन, फिर बना डॉन। ये लोग बोला मेरे को भाई बोलेगा, मैं बोला नहीं मेरे को भाई नहीं बोलेगा। फिर को मेरा गांव याद आता है, मेरे को दाऊ बोलो, क्योंकि हमारे गांव में बड़े भाई को लोग दाऊ बोलते हैं। गुरु, जब मैं तेरा चेहरा देखा ना, मेरे अंदर का मास्टर जो सोयला था जाग गया। तू जगाया उसे, तू। मैं तेरे बहन के लिए, तेरे छोटी बहन के लिए शादी का पूरा तैयारी किया है। देखेगा तू? तो आ मेरे साथ। देख, देख, ये सब लाया मैं। ये देख, बर्तन, कपड़े, जेवर। ए हलकट, क्या करता है रे? कितनी बार बोला कि बच्ची के कपड़ों को रिश्तेदारों को जोड़ी बेड़ों से अलग रखने का। ये साले रिश्तेदार पैदाइश में भी आते खाने पीने में, और मरने के बाद चौथे पर भी आते हैं, और शादी के वक्त जोड़े बीड़े लेने पहुंच जाते हैं। कितने लोग आएंगे बारात में? बारात पंजाब से आएगी। 300 लोग होंगे। 300 बराबर, 300 लोग। ऐसे मुंह क्या ताकता है रे? मैनेजर को फोन करना अभी इस होटल का सारा रूम खाली करने का। 250 लोग इधर रहेंगे, 50 का बंदोबस्त मैं करेगा, बराबर बंदोबस्त करेगा। तू सामान वामान देख ले, सब ठीक है ना? दाऊ, तू मेरे को दाऊ बोला ना, वह तेरा बहन की शादी माहेंगा, ख्याल रखने का इसका माहेंगा। बोलो राणे, क्या न्यूज? भान सिंह दाऊ और बख्शी का 36 का आंकड़ा है। क्योंकि दाऊ की पब्लिक में इमेज अच्छी है, और जब से दाऊ ने इलेक्शन में खड़े होने की बात करी है, तब से बड़े बड़े नेता लोग हिल गए, और वो जल्द से जल्द उसको उड़ाना चाहते हैं सर। आज अच्छा मौका है, दाऊ बख्शी के इलाके में आने वाला है। क्यों? शादी अटेंड करने के लिए। जी है धूम,
घोड़ी है वो घोड़ी चढ़ के आएंगे। मची है धूम हमारे घर में, मची है धूम हमारे घर में, तुम्हारे साजन है आने वाले। मची है धूम हमारे घर में, तुम्हारे साजन है आने वाले। बले 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 बले। नाचने गाने आए हैं, तुम्हें देने की खातिर हम दिलों का तोहफा लाए हैं। खुशी से दे दो तुम हमको तुम्हारी जो बलाएं हैं, रहे गम दूर सदा तुमसे यही अपनी दुआएं हैं। मची है धूम हमारे घर में, मची है धूम हमारे घर में, तुम्हारे साजन है आने वाले। है ये इजाजत सोने सजन को, है ये इजाजत सोने सजन को, कि आज तुमको गले लगा ले। मची है धूम हमारे घर में, तुम्हारे साजन है आने वाले। धूम मची है, 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 है। दाव किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, उन्होंने बात करने को बोला है। सर वो देखिए, बख्शी के आदमी दाव की फील्डिंग लगाए खड़े हैं। दाव को भी आने दो, फिर दोनों को एक साथ लपेटेंगे। हाँ हाँ दाव, सब ठीक ठाक है दाव। दाव मुझे आपका बहुत इंतजार था। मुन्ना भी आपके नजर रखना, वो तो अभी भी मस्ती में अंदर नाच रहा है। कुसुम को आशीर्वाद देने तो आना था। अगर आप आते तो चार चार लग जाते। सर आप? हो गई बहन की शादी? जी कल विदाई है सर। अब तू भी मुंबई से विदा हो जा, वरना तुझे मैं इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ये सब मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत एहसान है तेरे परिवार के इस देश पे। Stop this nonsense, Sukhdev! Stop this! क्यों इन बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है तू? क्यों? बाबू बख्शी के आदमी थे, गैंगस्टर्स थे साले। गैंगस्टर्स खाली हाथ थोड़े घूमते हैं सर। सर एक बेचारा खार में मूंगफली बेचता था और एक लिंकिंग रोड पर कपड़े। साहब मैंने इनको बहुत समझाया कि इन गरीबों को मत मारो, लेकिन सुखदेव साहब माने ही नहीं। जस्ट पुट डाउन योर रिवॉल्वर, जस्ट पुट डाउन, पुट डाउन। सर ये पागल हो गया है, इसके सिर पर एनकाउंटर एक्सपर्ट बनने का भूत सवार हो गया, जब देखो किसी को भी गोली मार देता है। सर लेकिन पहले तो उन्होंने गोली चलाई थी। तू कौन है बे? तू कौन है? मैं राजनाथ गुरु। अच्छा अच्छा, एक बार इसने तुझे बचाया था, अब तू इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। राजनाथ तुम इनके बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है।
ये साले आस्तीन के सामने तुम्हें भी डस सकते हैं। मैं सीबीआई ऑफिसर भारद्वाज, तुम्हें जो भी कहना है कोर्ट में कहना, चलो। दाओ। हाँ बोल गुरु। दाओ, मैं ये सब कुछ छोड़कर वापस जाना चाहता हूं अपने घर वालों के साथ। कहाँ जाएगा? दिल्ली? हाँ 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 दो। अच्छा, एक बात बता, कहीं तेरे को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं वो पिक्चर का क्या नाम है वो अजीत और वो अमरीश पुरी की तरह मैं तेरे को बोलेंगा कि लोग जिंदा इस लाइन में आता है और मुर्दा बाहर जाता है? ऐसा क्या? नहीं, मेरे को तो बहुत खुशी है कि तू ये लाइन छोड़ के जाता है। मेरा तो मजबूरी था कि मैं ये दलदल से निकल ही नहीं पाया। बहुत साला मर्डर केस था मेरे हाथ पर, लेकिन तू, तेरा पैरिस एकदम साफ है। तेरा नाम नहीं है पुलिस के दफ्तर में, तेरा फोटो कोई नहीं जानता। क्या पास्टर भान सिंह अपना विद्यार्थी को भेजता है? हाँ अमित, मैं मुंबई से बोलता है। दाऊ, तेरे दिल्ली में मेरा एक बच्चा आता है, उसका नाम है गुरु। उसका नया धंधा शुरू करने का है। हाँ, उसको जितना पैसा लगेगा देने का। हाँ तू सही सुना, जितना पैसा लगेगा तुझे देने का है। मेरा बच्चा है, रखता है। हाँ, चाहता है तू तरक्की करे, बहुत बहुत आगे जाए तू। एक चीज, हाँ, दाऊ की तरफ से ये मास्टर का पेन, ये लिखता भी है और वक्त आने पर आग भी उगलता है। अच्छा तो चलता हूं, प्रणाम। ए, तेरा जगह इधर नहीं है रे, इधर है। क्या हुआ था? दाऊ, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? गोविंद देने का बुलेट का बेटा अच्छा नहीं लगा क्या? मुन्ना दाऊ, किधर बिठाने का गुरु को? आप उन सब मिलकर बिठाएगा, बस तू जगह बोल, जगह बोल ना दाऊ। अब ये कुछ नहीं बोलेगा। देखो भाई, भाई नहीं, गुरु बोलने का, क्योंकि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं वो एक स्कूल मास्टर की कुर्सी है और मास्टर को हिंदी में गुरु कहते हैं। ठीक है गुरु, अब काम की बात पर आ जाए। देश को बेचने के अलावा कुछ भी बोलना। एक ठेकेदार को मारना है, हमने 7 फ्लाई ओवर्स बनाने के लिए उसका एक टेंडर पास करवाया था। फ्लाई ओवर बनने से पहले आप लोगों के बंगले बन गए होंगे। वो तो फाइल बनने से पहले ही बन जाते हैं। ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं मुन्ना भाई, राजू भाई तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। राजू मजाक नहीं कर रहा है, हकीकत बता रहा है। अगर सच्चाई जानते हो तो फिर बहस क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो ठेकेदार उससे भी ज्यादा पैसे दे चुका है जितना उसने प्रॉमिस किया था। मेरे पास आया था, बाल बच्चेदार आदमी है, अगर मैंने उसे मारा तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अगर हमने तुम्हारी पीठ पर से अपना हाथ उठा लिया तो तुम अनाथ हो जाओगे, पुलिस बेवजह तुम्हें एनकाउंटर कर देगी। मौत की धमकी दे रहे,
मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन इस कुर्सी पर बैठा था। देखो गुरु, जब तुमने गोविंद एड़ा के आदमियों को यहाँ पर मारा था तो नेताजी ने तुम्हारा केस दबाया था। वो ठेकेदार नहीं आया था। ए टपका डाला ठेकेदार को, काहे को थर्ड पार्टी के वास्ते खुद का लोग से पंगा लेता है। वो ठेकेदार ईमानदार आदमी है मुन्ना, और ये मंत्री जी उसे रास्ते से हटाकर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देना चाहते हैं। फिर सीमेंट कम भेज ज्यादा, लोहे का आधा पैसा इनके घर, कुछ दिन बाद पुल गिरेगा या टेढ़ा पड़ जाएगा। तो भैया उसमें आपका क्या जाएगा? मेरे देश के बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। गुंडागर्दी के सिंहासन पर बैठकर राजा हरिचंद्र जैसी बातें मत करो। देखिए सिंह साहब, मेरे हालात ने मुझे गुंडा जरूर बनाया है, दिल से देश प्रेम नहीं मिटा है। तुम अपनी फिक्र करो, देश की चिंता हम पर छोड़ दो, क्योंकि जनता ने हमें इस काम के लिए चुना है। आइए चलिए। चिंता मत कीजिए सिंह साहब, आपका और हमारा चोली दामन का साथ है। गुरु को थोड़ा शांत होने दीजिए, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। एक बात बोलूं भैया, बुरा नहीं मानना, मेरा दिल बोलता है इस कुर्सी पे तो आपको बैठना चाहिए। ए, चल पतली गली पकड़, काय को दोस्त लोग को भिड़ाने का बात करता है। गुरु उस कुर्सी पर खुद का मर्जी से नहीं, आप उनकी मर्जी से बैठा है, समझा क्या? और हालात ने एक क्रांतिकारी के पोते को शरीफ इंसान से अंडरवर्ल्ड का डॉन बना दिया। साहब, सुखदेव साहब छूट सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पाटिल और राणे को खोपचे में लेना होगा। फिर क्या हुआ? फिर राणे ने उन गैंगस्टर लोगों के रिवॉल्वर गायब कर दिए, और मैंने पता है मैंने क्या किया? क्या? मैंने ह्यूमन राइट्स वालों के सामने ये साबित कर दिया कि वो गैंगस्टर नहीं थे बल्कि आम नागरिक थे। बस हो गया काम। अब वो साला देशभक्त या तो 7-8 साल की सजा काटेगा या फिर जाएगा पागलखाने। तो वो भी उन बेवकूफों की गवाही पर जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स वाला कहते हैं। समझ गई ना तुम? सब साहब ये। अबे क्या है, तू ये चड्डी पहन के कहाँ घूम रहा है? साहब, आपकी चंपा ने हमारे एक बाले बयान की वीडियो फिल्म बना दी साहब, डीसीपी भगत पांडे जी के कहने पे। क्या बोल रहे हैं तू? हाँ साहब। दिमाग डालूंगा मैं, साली मेरे साथ धोखा, जान से मार डालूंगा मैं, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। ओ हेलो, होश में आ पाटिल। सर आपने गवाहों के बयान भी सुने और ये वीडियो फिल्म भी देखी, अब इंसाफ आपके हाथ में है। अरे इन दोनों को तो कोठे में गोली मार दी होती। पुलिस भी यही चाहती है, लेकिन आप पत्रकारों के डर से कभी आतंकवादी बच जाते हैं तो कभी गैंगस्टर। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत सुनील पाटिल वल्द बाला पाटिल और वीरेंद्र राणे वल्द काशी राणे को सुखदेव सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचने और शूट आउट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाती है। और सुखदेव सिंह वल्द जत्थेदार सिंह को यह अदालत बाइज्जत रिहा करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। थैंक यू सर। कानून ने जो सजा तुम लोगों को सुनाई है वो बहुत कम है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें तक याद रखेंगे। इंस्पेक्टर सुखदेव। सिर्फ सुखदेव सिंह का ही सर, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा। मैं तुम्हें तुम्हारी वर्दी फिर से वापस दिलाना चाहता हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कंधे से कंधा मिलाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने में तुम मेरी मदद करो। सरकारी वर्दी पहनकर, वो वर्दी जिसे हमेशा नेताओं के इशारे पर नाचना पड़ता है। ये सर्विस रिवॉल्वर जिसे चलाने के पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है और चलाने के बाद गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। और ये वर्दी पहन के आपने क्या हासिल कर लिया सर?
जब भी कभी आपने किसी भ्रष्टाचारी से टकराने की कोशिश की है, आपका तबादला कर दिया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे हिंदुस्तान में आपके सिर्फ तबादले होते रहे सर। आप जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर आज तक किसी एक गली का करप्शन खत्म कर पाया? वो कमिश्नर साहब जिनकी सच्चाई और ईमानदारी की कसमें खाई जाती हैं, आज तक किसी एक मोहल्ले का करप्शन खत्म कर पाए? लेकिन हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठे, जब भी मौका मिलता है भ्रष्टाचारियों की गर्दन दबोची लेते हैं। खैर, मैं तुम्हें यहाँ अपने कारनामे सुनाने नहीं बल्कि ये समझाने आया हूँ कि आज फिर इस देश को शहीद भगत सिंह और सुखदेव की जरूरत है। सिर्फ नाम रख लेने से कोई सुखदेव सिंह या भगत सिंह नहीं बन जाता सर, और मुझसे तो आप उम्मीद कीजिएगा ही नहीं, बहुत उब चुका हूँ मैं समाज में फैली इस गंदगी से। अपने ही डिपार्टमेंट को देख लीजिए, नाम है समाज सुरक्षा बल, और समाज के नाम पे नासूर बने हुए हैं। पुलिस स्टेशन में एक आम आदमी के साथ कुत्तों के जैसा बर्ताव किया जाता है, और पुलिस स्टेशन ही क्यों, सरकारी महकमे के किसी भी दफ्तर में जाकर देख लीजिए आप, म्युनिसिपल का दफ्तर हो, बिजली, राशन, पानी, टेलीफोन का दफ्तर हो, एक आम आदमी इस टेबल से उस टेबल तक चक्कर लगाता रहता है, एक दिन चक्कर लगा लगा के खुद चक्कर खा के गिर पड़ता है। मैं उसी चक्रव्यूह को खत्म करने की बात कर रहा हूं जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। हम एक बार फिर आजादी हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, अगर हम उन्हें खदेड़ सकते हैं तो फिर इन्हें क्यों नहीं, और फिर इन्हें तो हम ही ने कुर्सी पर बिठाया है, तो फिर इनके नीचे से कुर्सी खिसका भी सकते हैं। सरकारी वर्दी पहनकर यह सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता सर, मैं कोशिश करके देख चुका हूं, मिला गया जेल की सलाख है। एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए 14 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, 1 साल ट्रेनिंग का, कुछ साल सर्विस के, वो मिलता क्या है? एक अनपढ़ गवार अंगूठा छाप नेता जो जनता को मूर्ख बनाकर या बैलेट बॉक्स चोरी करवाकर लाल बत्ती की गाड़ी में आकर बैठ जाता है, और हमें उसके बंदोबस्त के लिए लगा दिया जाता है कि वो आए तो मारो सलूट, जाए तो मारो सलूट, आगे तो मारो सलूट, मुंहते तो मारो सलूट। बहुत सलूट मार लिया सर, अब और सलूट नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि ये खादी वर्दी, खाकी वर्दी, जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह सब मुझे सलूट मारे। ओ, तो तुम अंडरवर्ल्ड में जाना चाहते हो? चाहता नहीं सर, फैसला कर चुका हूं। जब फैसला कर ही चुके हो तो समझाना बेकार है, लेकिन जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, इस सर्विस रिवॉल्वर के अलावा मेरे पास अपना एक प्राइवेट पिस्तौल भी है, इसके लिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इसकी गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। आज इसकी एक गोली पर तुमने अपना नाम लिख दिया है, अगर मैं तुम्हें जेल से निकलवा सकता हूं तो गोली भी मार सकता हूं।
औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। दोबारा कभी ऐसी कोशिश की तो गोली सामने से मारूंगा और भेजा पीछे से बाहर निकलेगा। ए, ये गोविंदेड़ा का अड्डा है। ए, अपन उसे ढूंढने आए और अभी तो दाऊ के खून का हिसाब बाकी है। ए, और अगर ये फिर आना पड़ा ना तो ये बार नहीं तबेला शमशान नजर आएगा, समझा क्या? चल करो। मुबारक हो बजाज, मुबारक हो, तेरी फिल्म सुपरहिट हो गई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मैं भगवान से दुआ मांगता था तेरी फिल्म के लिए, देख सुपरहिट हो गई। आप कौन सा बोल रहे हैं आप? मैं बाबू बख्शी, पहचाना मेरे को? हाँ हाँ, मैं आपको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से बाबू भाई। अच्छा, देख सामने मैं टीवी देख रहा है, लोग बोल रहे तेरी फिल्म सुपरहिट हो गई। बहुत अच्छी फिल्म है, माइंड ब्लोइंग, रियली वेरी गुड फिल्म, सुपर हिट। मेरे को लगता है इसमें तो कम से कम 15 कोका तो कमाएगा, 2 कोका भिजवा दे चल। लेकिन इतना बड़ा पैसा मैं अभी कहां से इंतजाम करूं बाबू भाई? चल नाटक मत कर, 2 कोका भिजवा दे। बहुत तकलीफ में हूं बाबू भाई मैं। अरे भाई तकलीफ अभी तक हुई नहीं है, ज्यादा शानपत्ती करेगा ना तो तू और तेरा तकलीफ दोनों दुनिया से गायब हो जाएगा, समझा? बाबू भाई प्लीज। कल मैं मेरा छोकरा लोग को भेजता है, उसके साथ 2 कोका भिजवा देना। बाबू भाई, बाबू भाई, बाबू बख्शी का फोन आया था ना? हाँ। मेरे पैसे भले ही बाद में दे देना, उसके पैसे जरूर दे देना, जिंदा रहोगे तो ही पिक्चर बनाओगे साईं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसके पैसों का कोई बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूं। करो कोशिश, सॉरी, करो कोशिश, शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की चंद सांसें उधार में मिल जाए। वो क्या है ना कि 200 साल तक तुम अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, इसीलिए गुलामी अभी तक भेजे से कहीं नहीं है तुम लोगों के। गुंडों ने डराया, डर गए, डर गए। नेता ने नचाया, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। अरे कमीनों, तुम लोग जिंदा हो कहा? तुम सारे एक अरब लोग कुछ चंद लोगों की उंगलियों पर नाच रहे हो, हिजड़ों की तरह नाचो सालो, हिजड़ो नाचो कमीनो, नाचते रहो सालो। सर ऐसा सुना है कि इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ना रिश्वत लेते हैं ना रिश्वत देते हैं, तो ये रिश्वत किस लिए है सर? अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए। मैंने सुना है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन बाबू बख्शी ने फिल्म प्रोड्यूसर बजाज से जीने का टैक्स मांगा। सही सुना है सर, ये खबर मैं डीसीपी भगत पांडे को बहुत पहले ही दे चुका हूँ बिना रिश्वत के। हाँ, उन्होंने उस प्रोड्यूसर बजाज को 2 बॉडीगार्ड भी दिए, फिर भी वो बख्शी के आदमी उसको टपका डालेंगे। कहाँ? सेंटा क्रूज मार्केट, ठीक सुबह 10 बजे। पक्की बात? ऐसा लोग कहते हैं सर कि शराब में आदमी कभी गलत नहीं बोलता, और मैं तो सुबह शाम शराब में डूबा रहता हूँ सर। और क्या करते हो? सर एक टैक्सी डाली, कभी ड्राइवर चला लेता है तो कभी मैं चला लेता हूँ। शराब पीकर? हाँ तो क्या, सिग्नल तोड़ने का 30 रुपया, लाइसेंस बगैर चलाने का 50 रुपया, और शराब पीकर चलाने का 100 रुपया। पुलिस में था ना सर तो थोड़ी छूट भी मिल जाती है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा डोबले, अभी 10 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए।
ये छोटे टपका है क्या साले को? तेरा छोटा खुद ही टपक गया रे। ये तू कौन बोला बे? तेरा बाप बोल रहा हूँ, सुखदेव सिंह। मरेगा साला तू, मरेगा मेरे हाथों मरेगा इंस्पेक्टर। अब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा रे बाबू पिल्ले। ये भाई बोल बाबू भाई। भाई तो बोला मैं तेरे को बाबू पिल्ला। मैंने इंस्पेक्टर की नौकरी को ठोकर मार दिए रे। ये तूने बहुत अच्छा किया, अच्छा खबर सुनाया मेरे को। एक और अच्छा खबर देना है तेरे को मुझे। अब मैंने फैसला किया है कि इस अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही डॉन होगा और वो होगा सुखदेव सिंह। अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना तो 5 करोड़ रुपए मुझे भिजवा दे, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे हट गई लगता है तेरी जगह पे से। तू बाबू भाई से एक्सट्रॉर्जन मनी मांगता है? साला अक्का मुंबई से मैं पैसा वसूली करता है और तू मेरे से पैसा मांगता है? बहुत वसूली किया तुम लोगों ने साले, अब मैं तुझसे वसूल करूंगा। हेलो हेलो पहले हमें अपॉइंट करो। ना ना ये मामले में कोई नहीं बोलेगा। मैं क्या बोलता हूँ चौधरी साहब, मेरे को जाने दो, मेरे को स्पॉट पे जाने दो। इससे पहले कि ये साबित हो जाए कि मरने वाले छोकरे बाबू भाई के यानी कि हमारे आदमी है, मैं वहाँ जाके पोजीशन संभाल लेता हूँ और ये साबित कर देता हूँ कि मरने वाले छोकरे आम नागरिक है। इससे हमको आम जनता की हमदर्दी भी मिल जाएगी और हमारे ऊपर कोई आंच भी नहीं आएगी, है कि नहीं? बरोबर, मैं चलता हूँ स्पॉट पे। ठीक है, संभल के जाना। भगत पांडे घना तेज आदमी से। आपको तो जो पूछना था वो आपने हमसे पूछ लिया, मेरी जिंदगी की कोई गारंटी है आपके पास? बाजू खसो भाई, बाजू खसो। मैं आपकी जिंदगी की गारंटी लेता हूँ। बाजू खसो। मेरा नाम है डीसीपी भगत पांडे। मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या हो रहा है? आम आदमी को कुत्ते के जैसे मारा जा रहा है, हैं? और आपका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हिजड़ों की माफी खड़ा होके तमाशा देख रहा है? हिजड़ों की तरह नहीं सर, कठपुतली की तरह, जिसकी डोर आप लोगों के हाथ में है। और वैसे इस भ्रष्टाचार की नाजायज औलाद को जन्म भी आप ही लोग देते हैं और बधाई के गीत भी आप ही लोग गाते हैं, कभी राजनीतिक मंच पर तो कभी जनता के बीच। और जिन्हें आप आम नागरिक कह रहे हैं वो आम नागरिक नहीं है, बाबू बख्शी के शूटर्स हैं। एक आम आदमी को मारने आए थे और खुद ही नर्क के लिए रवाना हो गए। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि अंडरवर्ल्ड में एक और गैंगस्टर पैदा हो गया है जो कि आपके डिपार्टमेंट से है। नाम बताओ क्या? इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह। वो अब हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। अरे उससे मेरे को क्या लेना देना? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ डीसीपी, वो मेरे से एक्सटॉर्शन मनी मांगता है, है? आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए, जिस दिन हाथ आ गया उसका भी यही असर होगा। तू मेरे को पुलिस स्टेशन जाने को बोलते? मेरे को एमपी पटेल को गिरफ्तार होने के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ, रिपोर्ट लिखवाने के लिए भेज रहा हूँ। जब तक आप रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे मैं सुखदेव सिंह के खिलाफ कैसे एक्शन लूंगा? अरे एक्शन तो हमको लेना पड़ेगा। अब देखो ना, ये सही मालूम पड़ा कि यहाँ पर हादसा हुआ है, दौड़ा दौड़ा चला आया अपना फर्ज पूरा करने के लिए। गुड, तो फिर पंचनामा होने तक रुक जाइए, मुझे बाबू बख्शी के शूट आउट ऑर्डर्स लेने में आसानी होगी। मैं भला काय करूँ? तो फिर आप यहाँ आए क्यों थे? ये साबित करने के लिए कि पुलिस डिपार्टमेंट सोया हुआ है और आप जागरूक हैं, और आप जब हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं तब आप सोने जा रहे हैं। पंचनामा होने तक रुके रहिए, वरना जनता का शक हकीकत में बदल जाएगा कि बाबू बख्शी आपका आदमी है। कौन कहता है कि बाबू बख्शी हमारा आदमी है? छोड़िए नेताजी, जनता में से ही किसी ने कहा था। आप इस पंचनामे पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं कैसे साइन कर दूं? नेताजी फटाफट सिग्नेचर कर दीजिए, वरना जनता ने सिग्नेचर करना शुरू किया तो आपको भागना मुश्किल हो जाएगा। अभी पेन तो दो। शुक्रिया। अब जितनी जल्दी हो सके सुखदेव सिंह के खिलाफ एक्शन ले लो, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। हाँ एक्शन तो दोनों के खिलाफ लेना पड़ेगा सर, क्योंकि ये सिग्नेचर के बाद तो अब बाबू बख्शी भी आपका दुश्मन बन गया होगा। अपुन साला तेरे को एक मामूली सा जेब कतरे से इधर तक लाया, पहले एमएलए बनाने को मदद किया फिर एमपी, और तो अपुन का ही चवाट लगा दिया। मैं क्या बोल? अरे पण के किया इसने? अरे ये साला अपुन का शूट आउट का पेपर पे साइन करा के आया, वो डीसीपी भगत से। मैं क्या बोलता हूँ बाबू भाई, मेरी बात को समझने का कोशिश करो यार। उधर जनता के बीच में मैं गिर गया था यार, मैं अकेला पड़ गया था। अभी चौधरी साहब मैं क्या करता, बोलो यार। अरे तू फिक्र मत कर बाबू भाई, मैंने उस डीसीपी को बुलाया है। सर डीसीपी आपसे मिलने आए हैं। बोलो आ गया, किधर है किधर? चलो। अरे कैसे हो डीसीपी साहब? नमस्कार। सब ठीक से है ना? जी। अच्छा ये बताओ के लोगे, विस्की लोगे, स्कॉच लोगे के रम लोगे? एक गिलास ठंडा पानी, ताकि ठंडे दिमाग से आपकी बात सुन सकूं। अरे वो तो आ ही जाएगा, फिर भी कुछ तो लोगे। जी नहीं शुक्रिया। किस लिए याद किया आपने? अरे बात कुछ नहीं से, मैंने होम मिनिस्टर से बात कर ली से,
वो क्या है, हमारे पास बाबू बख्शी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं से, इसलिए हमने उसका शूट ऑर्डर कैंसिल करवाया है। यही बात समझाने के लिए मैंने थारे को यहाँ बुलाया है कि आप उसका एनकाउंटर ना करें। हाँ, ये बात तो कमिश्नर साहब मुझे बता चुके हैं, और रही बात एनकाउंटर की, इसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बाबू बख्शी और उसके गैंगस्टर ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं एक अबोध बालक की तरह खड़ा ये तो नहीं देख सकता कि उनका गोली चलाने का स्टाइल क्या है। हाँ, अगर आप इस बात की गारंटी लें कि वो मुझ पर गोली नहीं चलाएंगे तो ली गारंटी। अरे कैसी बात कर रहे हैं से? क्यों? तारा दिमाग खराब हो गया से? हम कैसी गारंटी ले सकते हैं? अरे वो क्या हमारे सगे संबंधी से रात दिन उनका हमारे साथ उठना बैठना है, कुछ भी बोल रहे हैं से? मुझे तो ऐसा ही लगता था और लोग भी यही कहते हैं, और अब पटेल साहब ने तो बिल्कुल कन्फर्म ही कर दिया। आप लोगों की बात छोड़ो, आप वही काम करो जो हम बोलते हैं। और मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपकी तरक्की पक्की। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपका प्रमोशन नक्की। तो आपने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं आपके गुंडों की जान बख्श दूँ, लेकिन आपने मेरी कीमत बहुत कम लगाई है। अरे पटेल, मैंने कही थी ना कि ऐसी कोई भी कुर्सी या वर्दी ना है जो बिकाऊ ना हो, बस सौदेबाजी करने आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बोला। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि प्रमोशन के अलावा और क्या क्या मांगता है बोलो। देखिए, जिस तरह अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले गए, वैसे आप अपनी कुर्सियां छोड़कर चले जाइए बस। कैसी बात करते हैं डीसीपी साहब, है? ये कुर्सी तक पहुंचने के लिए हम दोनों कितने साल लगाए मालूम है क्या? और लाखों रुपए खर्च करे ताकि करोड़ों अरबों कमा सको, और वो भी घोटाले पे घोटाला करके। और जब कोई घोटाला नहीं बचेगा तो इस धरती का घोटाला करके इस देश को ही बेच डालोगे। पहले आपने इसे प्रांतों में बांटा, अब छोटे छोटे खंडों में बांट रहे हो ताकि आपका काम और आसान हो जाए। आप मुझे एक भी नेता का नाम बताइए जो इस देश के काम आया हो, या इस मुल्क पर अपनी जान न्योछावर करने वाले किसी शहीद के लिए कुछ किया हो, या अपने जाति पैसे से किसी परिवार की परवरिश की हो, किसी बच्चे को तालीम दी हो। भाई एक नाम तो बताइए। मैं क्या बोलता हूँ कि ये टॉपिक को यही छोड़ दो। क्या है कि आपका जो सवाल है ना, उसका जवाब देना बहुत इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर आपको जवाब चाहिए ना तो आप पार्लियामेंट में आओ ना, चौधरी साहब जवाब देंगे आप। अरे मारी बात क्या कर रहे हैं? ये मारे अकेले की जवाबदारी थोड़ी से है, ये सवाल का जवाब तो सारी पार्लियामेंट को देना चाहिए। वहां मेरे सवाल का भला कोई क्या जवाब देगा? मेरे इस देश में अभी भी कुछ कुर्सियां और कुछ वर्दियां ऐसी हैं जो बिकाऊ नहीं है, मैं भी उनमें से एक हूं। देखिए, मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अगर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सिर्फ इस करप्ट सिस्टम से है, और इसके लिए मैं वर्दी उतार कर किसी नेता का खून भी कर सकता हूं, और वर्दी पहनकर बाबू बख्शी का एनकाउंटर भी कर सकता हूं। जय हिंद। आधा किलो चीनी। अरे ये क्या लिखा है? शक के दायरे में अंडरवर्ल्ड के तीन डॉन, छिलके वाली बाबू बख्शी, गोविंद एड़ा, गुरु भाई। क्या बोला बेटा? राजगुरु? राजगुरु नहीं दादाजी, गुरु भाई। ये अंडरवर्ल्ड के डॉन गुरु भाई की खबर है, अपने राजगुरु की नहीं। हाँ, मैं बाद में मिलता हूँ। शोभा जरा कुसुम को बुला के ला। मैं तो कब से तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है राज। जानता हूँ शोभा, तू जरा अंदर जा, मुझे कसम से कुछ बात करनी है। क्या बात करोगे तुम? हाँ, यही कहोगे ना कि वो अंडरवर्ल्ड का डॉन गुरु भाई कोई और नहीं, तुम हो। अखबारों में जिसके चर्चे आते हैं वो तुम हो। भैया दादाजी भोले भाले हैं, लेकिन मैं भोली भाली नहीं हूं। वो कुछ नहीं जानते और ना ही माँ कुछ जानती है, और दादी को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। जानती है तो समझाती क्यों नहीं? क्या समझाएगी मुझे? हाँ, यही कि मैं मौत के साए में जी रहा हूँ। कल कोई दुश्मन मुझे यहाँ माथे पर गोली मारेगा और पुलिस यहाँ, लेकिन एक बात तो है कि मैं मौत से ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है कुसुम, और मेरी आत्मा तुम्हें विधवा के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम अपनी शादी वहीं कर लो जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहते। नहीं राज, नहीं,
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। तुम आने वाले कल की बात कर रही हो और मैं आज की, और मैं इसी वक्त अपने आप को गोली मार लूंगा। नहीं राज, नहीं भैया। अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ और दिन जीऊं, तो तुम अपनी शादी वहीं करोगी जहां तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं। प्लीज तुम पिस्तौल उठा लो राज, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी भैया, मैं वैसा ही करूंगी भैया। भैया ये तुम्हें बेपनाह प्यार करती है, इसी प्यार की खातिर तो इसे समझाने आया हूं मैं। वैसे भी पा लेने का नाम ही प्यार नहीं होता, प्यार में कभी कभी खोना भी पड़ता है। अपना ख्याल रखना और मुझे भूल जाना। भैया 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 जाते जाते कम से कम ये तो बता दीजिए आप, कैसी क्या मजबूरी थी जिसने आपको अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने पर मजबूर किया? कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता। भैया भैया मुझे।
ये कहाँ ले आया? कहाँ है? चल चल चल। ए दनिया, चल फूल इधर ला। ये ले, चल पकड़। ये क्या है? वो क्या है ना, इस टेंशन को दूर कर डालता है। इस करके अपन तेरे को इधर लाया और तेरे टेंशन का इलाज इधर अंदर है। चलो आ। I'm sorry, मुझे मेरे दोस्तों ने धक्का दिया, मैं खुद नहीं आया। आप आए नहीं हो, आकर गिरे हो, वो भी ये गुलदस्ता लेकर। ये भी उन्हीं की शरारत है। अच्छा? मैं माफी चाहता हूँ। अरे आप बैठो तो, घबरा क्यों रहे हो? कमाल है, भले ही मेरे दोस्तों ने धक्का दिया था लेकिन थी तो बदतमीजी, और आप फिर भी मेरे साथ तमीज से पेश आ रही हैं। क्योंकि पहली बार मुझसे किसी ने तहजीब से बात की है, वरना यहाँ तो हर शख्स आंखों में हवस या नोच खाने की नियत लेकर ही आता है। हर नजर जिस्म को छेदती हुई शरीर में घुस जाना चाहती है, लेकिन आज पहली बार इन आंखों में मैंने अपने लिए इज्जत देखी है। मैं औरत जात की इज्जत करता हूं, अगर मैं आपको गलत नजर से देखूंगा तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। कोई ना कोई मजबूरी होती है जो ये सब करने पर मजबूर कर देती है। आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसने जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिसमें की नुमाइश करने के लिए, कला का प्रदर्शन भी तो कहा जा सकता है। आपकी जुबान में, वरना लोग नाचने वाली ही कहते हैं। पहले जब मैं बियर बार में डांस करती थी तभी लोग यही पुकारते थे, और आज जब मैं स्टेज पर डांस करती हूँ तभी यही कहकर पुकारते हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ सब नाच रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, लेकिन नाचता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिंदगी मुझे एक ऐसा नाचना चाह रही है जिसका कोई अंत नहीं। फिर तो हम एक ही नाव में सवार हैं, क्यों ना हम जिंदगी के सफर में कुछ दूर साथ साथ चलें? संभव नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं कि पुलिस मुझे मेडल देने के लिए ढूंढ रही है। जानती हूँ, नाम राजनाथ गुरु है और लोग गुरु भाई कहकर पुकारते हैं। इसके बाद भी आप मेरे साथ चार कदम चलना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि मौत कभी भी मुझे गले लगा सकती है। मैं मौत से नहीं डरती, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हालात ने मेरे पाँव में घुंघरू बांध दिए थे। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में, कुसुम की शादी का इन्विटेशन तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये जरूर आई थी कि उसे वहां शादी करने के लिए तुमने ही समझाया था। बीती बातों के बारे में बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं चलता हूँ। फिर कब मिलोगे? कभी नहीं, आप मुझसे दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ उसमें हमदर्दी या प्यार की कोई जगह नहीं है। फूल तो देते जाइए। अपने दोस्तों की गलती के लिए माफी चाहता हूँ। आपसे अच्छे तो आपके दोस्त हैं जो गलती तो करते हैं, आप तो गलती से भी गलती नहीं करते। कैसे हो डोबले? अरे सर, आज आप मेरी गुट्टी नहीं लाए। तुम शराब छोड़ क्यों नहीं देते हो? जिंदगी मुझे छोड़ देगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं तो आप मुझे शराब देते रहिए। भाई दरअसल में बात यह है कि वो बाबू बख्शी ने होटल पहले ही अपने नाम करवा लिया मेरे से, और ये जमीन आपके नाम कर दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? जिंदगी। लेकिन भाई मंत्री भवानी चौधरी ने हमसे कहा था, हाँ हाँ, कि अगर ये होटल बाबू बख्शी के नाम कर दे तो हम पर आज तक नहीं आएगी। हाँ, कहा था ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई। बच्चों से बात नहीं करता हूं, अपन थोड़ा येड़ा है। ए, ओ अटल पे काबू मेरे को करने का था, हाँ बाबू ने किया। वो साला मंत्री बीच में आ गया ना, बाबू दोस्त है और वो इस मंत्री मेरे को जमीन अपने नाम पे करने के लिए बोल रहा है। हाँ, तेरे को फोन नहीं आया क्या? मेरे को फोन आया था भाई। अच्छा? हाँ, मैंने बहुत समझाया उसको। मुझे मत समझा।
साइन करो। अपन थोड़ा येड़ा है। करता। गोविंद येड़ा। पहला। अपन कौन? करता भाई। भाई साहब, मैंने सोचा मेरी खोपड़ी उड़ गई। आपने मुझे तो बचा लिया, लेकिन उसे क्यों जाने दिया? क्यों नहीं टपका डाला उसको? जल्दी क्या है? इसने बहुत से लोगों से जीने का टैक्स मांगा है। हाँ। अब मैं इससे जिंदा रहने का टैक्स वसूल करूंगा। मुझे खबर मिली थी कि बाबू बख्शी भी इसके साथ यहां पे आने वाला था। आपकी खबर बिल्कुल सही थी, पर ऐन मौके पे मंत्री भवानी ने यह प्लान चेंज कर दिया। अब इन लोगों को अपने प्लान अक्सर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही डॉन रहेगा और वो है सुखदेव सिंह। अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जुर्म की दुनिया में कदम जमाने के लिए बड़े मुजरिमों का साथ लेना बहुत जरूरी है। जानता हूं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जितने भी डॉन हैं सब इन्हीं की वजह से जिंदा हैं। इन्हीं की छत्र छाया हासिल करने के लिए तो ये सब खर्च में दिखा रहा हूं। भाई अगर आप कहें तो उसे हम... भाई नहीं, सुखदेव सिंह एनकाउंटर। सुखदेव सिंह जी, अगर आप चाहें ना तो मैं आपको एक ऑपोजिशन के लीडर से मिलवा सकता हूं जिसका नाम है यादव। जुबानी, आज तक तुम ऐसे लोगों में फंसे रहे हो जो तुम्हें लूटते रहे हैं, लेकिन अब तुम सही जगह पर आ गए हो और सही आदमी को लेकर आए हो। अगर ये मेरा साथ दें तो मैं देशद्रोहियों का सफाया कर सकता हूं। लगता है मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूं। अगर देश सेवा ही करनी थी तो डीसीपी भगत पांडे का साथ क्या बुरा था? बहुत कर ली देश सेवा, अब तो मैं अंडरवर्ल्ड में अपना नाम, पैसा और रुतबा कमाना चाहता हूं। लेकिन शायद आप उस पोजीशन में नहीं हैं जहां मैं आपके और आप मेरे किसी काम आ सके। ठीक है, मैं पोजीशन में नहीं हूं, अपोजिशन में हूं, लेकिन मरा हुआ हाथी बेकार नहीं होता और हारा हुआ नेता कमजोर नहीं होता। ये देखो, ये कैसेट देखो, इनमें ऐसी चीजें मौजूद हैं कि मैं सत्ताधारियों के सत्ता को हिला सकता हूं। सिर्फ मुझे सही मौके और सही वक्त की तलाश है। लगता है बिल्कुल सही जगह पे आ गया हूं। अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मुन्ना, वो बिल्डर से 25 पेटी मंगा ले। आप? मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। बोलिए। मेरी बेबसी और लाचारी आज तक गुंडों के इशारों पर नाचती रही, खास तौर से गोविंद के इशारों पर। जी हाँ, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं अपने जिस्म की नुमाइश भी करूं। इनकार करने का मतलब है खुदकुशी, जिसके लिए मेरे हालात इजाजत नहीं देते, और जमीर नंगा होने को तैयार नहीं। जाओ आराम से जाकर अपने घर में बैठो। अगर उसे जिंदा रहना है तो वो कोई फरमाइश नहीं करेगा। गोविंद, मैं और मेरे दोस्त शिकारी की तरह तुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तुझे एक और मौका देना चाहता हूं। ए, काई को मौके मौके का बात करता है, सीधा टपका डाला साले को। एड़ा, सुना मुन्ना क्या बोला? आओ मेरे साथ। अगर श्वेता के साथ तूने कोई और ज्यादती की तो तेरा कोई भी कांटेक्ट तुझे बचा नहीं पाएगा। साला मैं तो सच में एड़ा बन गया। देख मुन्ना, वहां हमारे दोस्तों की चिताएं जल रही हैं।
और हम नजदीक भी नहीं जा सकते। उधर आसिफ को दफनाया जा रहा होगा और हम उसके जनाजे को कांधा भी नहीं दे पाए। काय के भाई लोग हैं हम। हाँ बरोबर बोला तू। ऐसा ही एक दिन अपन का मां का चिता चलता था और अपन दूर खड़ा देखता था, बिल्कुल छक्का लोग का माफिक। साला उसका मौत का जिम्मेदार भी मैं था। काय को अपने आप को कोसता है रे। मौत तो सभी को आनी है, बस कोई ना कोई बहाना होता है। वैसे इस भाईगिरी की लाइन को तूने अपनी माँ की गरीबी खत्म करने के लिए तो अपनाया था और उसको खत्म कर डाला। देखना आज अपन के पास सब कुछ है पर उसको उठाने के लिए माइच नहीं है जिसके लिए सब कुछ किया। चल गुरु इसका पहले किस चिता का आंच अपनी बची कुची खुशियां चला दे। निकल ले चल। निगाहों में अपनी मोहब्बत।
प्रणाम दादाजी। जी तेरा बेटा। ये आजकल तू पीछे के दरवाजे से क्यों आता है? वो क्या है दादाजी? शायद भैया राशन वाले का हिसाब करने गए होंगे, है ना? बेटा मैं आज की नहीं, आज कल की बात कर रहा हूँ। माँ और दादी जी दिखाई नहीं दे रहे? मंदिर गए हैं, आते ही होंगे। तो ससुराल से कब आई? ये पढ़ने के बाद। ये पढ़ा तुमने? सुन जरा बाहर का ख्याल रखना, समझ गया ना? क्या खुसुर पुसुर चल रही है भाई बहन में? कुछ नहीं दादाजी, ठीक है। दादाजी मैं सोच रहा था कि गुड़िया की शादी की जिम्मेदारी भी पूरी हो चुकी है और पैसों की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। भले ही हमारा दिल्ली वाला मकान अब नहीं रहा, लेकिन पंजाब वाला तो है। तूने मेरे दिल की बात छीन ली। वैसे भी मैं शहर की भीड़ भाड़ से तंग आ चुका हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम गांव लौट चलें? और तेरा काम? जिस मकसद से किया था वो पूरा हो गया है। रब के दिए चार पैसे हाथ में हैं, गांव चलकर खेती किसानी करूंगा। गुरु आ गए। कौन आ गए? चल गुरु चल, पुलिस आई है, हम पीछे के दरवाजे से भाग चलते हैं। तो वो गुरु भाई तू है, हैं? मेरा राजगुरु, अंडरवर्ल्ड का डॉन? तूने तो मेरे सपनों को ही तोड़ दिया बेटा। क्यों? अरे मैंने ऐसा क्या भाग लिया था तुझसे जो तुझे ये सब करना पड़ा? मैं तो रूखी सूखी में ही खुश था। भाग भाई! किस किस से भागेगा ये? तुझसे, मुझसे या पुलिस से? अरे लेकिन खुद से भाग के कहां जाएगा? बहुत खून बहा लिया तूने, अब मैं तेरा खून बहाऊंगा। बहुत चला लिया तूने ये, अब मैं चलाऊंगा। आप मुझे मारे? क्या नहीं मार सकता? तूने तो मुझे जीते जी मार दिया बेटा। मेरे संस्कार, मेरे विचार, मेरे आदर्श सबका खून कर दिया तूने। दीनानाथ जी दरवाजा खोलिए। मैं तुझे मारूंगा। चल गुरु, चल, चल, रुक जा, रुक जा। सर वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। चलो को चलेगा ना, छोड़िए तू निकल। तू क्या बोल रहा, पागल हो क्या तू? हे आप उनको नहीं समझा रहेगा, समझा क्या? देख दाव को अपन प्रॉमिस किया ला, तेरा फैमिली है, फ्यूचर है, तू जाबे निकल निकल ना, पुलिस को चलेगा, बोला ना। मुन्ना के दिल से मौत का खौफ निकल चुका है गुरु, तू निकल, समझा यार, समझा कर गुरु। आप तो वैसे मौत का खौफ निकल चुका है, भैया की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना दादाजी? हाँ बेटा, मजबूरियां तो हम गरीबों को विरासत में मिलती हैं। कभी ये मजबूरियां हमें कर्जों के बोझ के तले दबा देती हैं, तो कभी खुद की नजरों में ही गिरा देती हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने उसूल, अपने आदर्श उन सबकी भेंट चढ़ा दें, बुजुर्गों से जो संस्कार हमें मिले हैं उन्हें भूल जाए। अगर हर मजबूर इसी तरह हथियार उठाते रहेगा तो एक दिन ये दुनिया लाशों के ढेर में बदल जाएगी। रुक क्यों गए डीसीपी साहब? अगर वो आपके हाथ नहीं लगा
तो उसकी जगह मुझे गिरफ्तार करके ले चलिए। मैं गिरफ्तार करने नहीं, आपसे कुछ पूछताछ करने आया था, लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूं। ना ना, आप सही जगह पर आए हैं डीसीपी साहब, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो कमबख्त मेरा ही खून है, मेरा पोता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा खून इस भ्रष्ट व्यवस्था का एक अंश बन जाएगा। मैंने उस अंश को मिटाने का प्रयास किया, उसके सीने पर रखकर ये दवाई थी, ये नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्यों नहीं? इसे चलाने के लिए इसे अनलॉक करना पड़ता है। इसे खींचिए, ये देखिए। हम पांच भाई थे डीसीपी साहब। दो शहीद भगत सिंह की रौ में बहकर शहीद हो गए और दो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चले गए। खुशकिस्मत थे, चले गए, कम से कम देश के हालात तो नहीं देखने पड़े। मैं गांधी जी के साथ था, मैं बच गया और अब देश के ये हालात देखने पड़ रहे। लेकिन अब अहिंसा का ये पुजारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह की राह पर चलेगा, और अब आप लोग भी हंस चले जाइए। नहीं, कोई बंदूक नहीं उठाएगा। दीनानाथ जी एक क्रांतिकारी हैं, इस वक्त गुस्से में हैं। मैं आपका आक्रोश समझ सकता हूं दीनानाथ जी, खुद पर काबू रखिए। जब गुस्सा ठंडा हो जाए इसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइए। चलो मंत्री जी, माझी बात सुनेगा? वो एसीपी पाटिल और राणे को भी छुड़ाने का कोशिश करो। अरे चुप कर, एक मिनट सुनने दे। वो डीसीपी क्या बोल रहे? हमारे ये नेता लोग किसी भी मामूली से गुंडे को या फिर हालात से लाचार किसी नौजवान को बढ़ावा देकर अंडरवर्ल्ड का डॉन बना देते हैं। आगे चलकर या तो वो मारा जाता है या जेल जाता है, या फिर उसे अपनी जमीन, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़कर भागना पड़ता है, अपनों से दूर, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ होकर भी उनका अपना कुछ नहीं होता। बस यही बात मैंने बाबू बख्शी और गोविंद को समझाई और वो उन नेताओं की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो गए। सुन लिया तन्ने? मारे ये आदमी मारे खिलाफ जबान खोलने जा रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, मैं हरियाणा से बलवंदर सिंह को बुलाकर इन दोनों को मरवा दूंगा, ससुरे गोविंद और बाबू के। इन्हें पता नहीं से नेता से बड़ा गुंडा कोई नहीं हुए। अरे मंत्री जी, जब तक आपका बलविंदर हरियाणा से आएगा तब तक तो ये खूसट डीसीपी भगत आपला बैंड बजा चुका होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मीने यादव साहब को बुलवाया। यादव को? लेकिन पटेल साहब वो तो अपोजिशन का मानूस है। अरे अपोजिशन का ये ना, कोई पुलिस या जनता का आदमी तो नहीं है ना? अरे वक्त आने पर हम और अपोजिशन वाले एक ही पोजिशन में आ जाते हैं, नहीं समझे? अरे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं यार। सर यादव साहब आ गए। जय हिंद बंधुओं, जय हिंद। अरे आप अकेले आए हो यादव साहब, सुखदेव नहीं आया? मैं आ चुका हूं भवानी चौधरी। पधारो भाई पधारो। बहुत खुशी हुआ आपको देखकर। बिना वर्दी के परमार, मैंने तुमसे वादा किया था कि जिस दिन मेरी वर्दी उतर गई उस दिन मैं तुम्हारी डेड बॉडी को सैल्यूट मारने आऊंगा, पर अफसोस हालात ने मुझे तुम्हारी बिरादरी में लाकर खड़ा कर दिया। यादव साहब, आपने इन्हें मेरी कीमत बता दी? जी हाँ, बिल्कुल बतला दी है, लेकिन आप भी बतला दें तो अच्छा होगा। इन लोगों ने आज तक जो कुछ भी घोटाले कर कमाया है उसका 50% और यादव साहब के लिए एमपी का टिकट। जय हिंद। मैं क्या बोलता हूं, आपको 50% मिल जाएगा और इनका टिकट भी हो जाएगा, लेकिन आप वो बाबू बख्शी और गोविंद देड़ा का काम बजा डालो भाई। तुम लोग नेता लोग अक्सर वादे करके मुकर जाते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा ही गेम बचा डालूंगा। गोविंद, चिल्लाने का नहीं, चिल्लाने का नहीं, नहीं तो इसकी बोलती बंद कर डालूंगा। ए गुरु, तेरे को एक बात भूल गया, इधर अडाओ ना, जब भी चलो एकदम कांच का टुकड़ा है यार। अभी मैं उसको टुकड़ा टुकड़ा कर डालता हूं, देख। धरती नापना शुरू कर दे गोविंद,
जान बचा के भागना भी चाहेगा ना तो ये धरती बहुत छोटी पड़ जाएगी। खुल के सुन जाए, अपन थोड़ा अड़ाए, नाम गोविंदरा टेढ़ा कर डालूंगा तेरे 26 को। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। हे भगवान, हे भगवान, इधर आ, नाम बता इसको। भगवान भगवान, इसके वास्ते मैं तेरे को छोड़ दूंगा। ये साला कालिया, मेरे से ज्यादा चिकना दिखता है क्या? मैंने तो सुना था कि तुम जैसे लोग औरत जात की इज्जत पर हाथ नहीं डालते। अपन किधर तेरे इज्जत पे हाथ डाला? अपन तेरे को बियर बार से उठाकर स्टेज डांसर बनाया। हाँ हाँ बनाया, तुम नचाते रहे, पैसा कमाते रहे, मेरी मजबूरी नाचती रही, मैं नुमाइश बनती रही, कभी इनकार नहीं किया मैंने। लेकिन जब तुमने मेरे जिस्म की नुमाइश करनी चाहिए तब मैंने नहीं। वो नेता लोग तेरा नंगा नाच देखना मांगता था, अपन उनका बात टाल नहीं सकता था क्योंकि उनका हाथ जब तक अपने पीठ पे है अपन जिंदा। हाँ बोल बाबू। ये नेता लोग तेरा और मेरा सुपारी दे डाला। हाँ सुन मेरा बात सुन, ये तेरा येड़ा चाल छोड़ दे और अंडरग्राउंड हो जा। क्या ये नेता लोग राजू तू श्वेता को सुन। अबे रुको श्वेता, चलो मिली है कि गुरु अपनी टोली और एक नाचने वाली को साथ लेकर कहीं दूर भाग गया है। बाबू बख्शी और गोविंदेड़ा दोनों शूटआउट में मारे गए। हाल ही में हुए अंडरवर्ल्ड के शूटआउट में सुखदेव सिंह का ही हाथ है सर। ये सब तुम्हारे उस टीवी इंटरव्यू का असर है। और इससे पहले कि सुखदेव अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन जाए, किल हिम। लेकिन सर उस दिन तो आपने कहा था कि सुखदेव सिंह को खोकर आप टूट गए हैं। वो शब्द मैंने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए कहे थे और ये गोली मारने का आदेश एक प्रोफेशनल किलर के लिए दे रहा हूं। जस्ट शूट हिम। हाँ भाई चलें। ओ, मैं तो सोचता था सुखदेव सिंह बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन तुम तो बुजदिल निकले, चोरों की तरह छुप कर वार किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मुझ पर गोली चला देते। सामान निकाल। ए, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मैं देखता हूं कितना बड़ा शूटर है ये। चला गोली, हिम्मत है तो चला गोली। डीसीपी साहब के तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तुम तो बाल बच्चेदार आदमी हो। देखो मेरे जवान के साथ कोई हरकत मत करना। तो फिर इनसे कहिए कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करें। चल गाड़ी के अंदर से सामान निकाल के घर के अंदर ले जा। चल। ये मामूली सा सामान मेरे घर में रखकर मुझे रिश्वतखोर साबित करना चाहते हो? चलो अंदर, मैं खुद एंटी करप्शन को फोन करके बुला लेता हूं। फोन लगाने की जरूरत नहीं है सर, मैं यहां पर आपको फंसाने के लिए नहीं, एक वीडियो फिल्म दिखाने के लिए आया हूं। कैसेट लगाओ। मैं जानता था कि आपके घर में टीवी वीसीआर नहीं होगा, इसलिए खुद लेकर आया हूं। ये देखिए। मैं क्या बोलता हूं चौधरी साहब, देश को मारो गोली, फाइलों का सौदा कर डालते हैं यार।
अरे लेकिन संभाल के सरकारी लोगों को खबर ना पड़ जावे। अरे हमने जो गुंडे पाल रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे भाई, हैं? क्या बोलते? अरे तो ठीक से बाढ़ और अकाल का माल भी अंदर कर लेते। ठीक है, बाढ़ और अकाल की कमीशन के साथ साथ मुझे पायलों का हिस्सा भी बराबर चाहिए। हम लोग मुजरिमों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें मारते हैं सर, लेकिन ये वो लोग हैं जो जुर्म को जन्म देते हैं और भ्रष्टाचार की परवरिश करते हैं। ना इन्हें बाढ़ से कुछ लेना देना है, ना अकाल से, ना भूचाल से, बस गिद्ध की तरह ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और देश को हड़प जाए। तो सब कुछ मैं वर्दी पहन के हासिल नहीं कर सकता था सर, इसलिए मुझे ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ये रहा मेरा वो सर्विस रिवॉल्वर जिससे मैं कभी मुजरिमों को गोली मारा करता था, और ये रही मेरी वो हथकड़ी जिससे मैं उन्हें गिरफ्तार किया करता था। अब आप चाहें तो मुझे गोली मार दें, और चाहें तो ये हथकड़ी मुझे पहना दें। मेरे बस में होता तो मैं मेडल पहनाता तुम्हें। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं इन देशद्रोहियों को जनता के सामने नंगा करके घुमाऊंगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर, अभी तक आपके सिर्फ ट्रांसफर होते रहे हैं, लेकिन अब ये लोग आपको प्रमोशन देके कश्मीर भेज रहे हैं उग्रवादियों के मोहल्ले में, ताकि पहली फुर्सत में ही कोई उग्रवादी आपको अपनी गोली का निशाना बना ले और इनके रास्ते साफ हो जाए। ये लोग तो मुझे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के रास्ते और गलियों का सफाया जरूर करूंगा। मैंने हर बार इन नेताओं को सिर्फ एक ही बात समझाई थी कि आप लोग तो मेरी वर्दी कभी नहीं उतरवा पाओगे, हाँ लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ी मैं खुद ये वर्दी उतार कर आऊंगा, और आज वो जरूरत आन पड़ी है। आज मैं ये वर्दी उतार रहा हूं सुखदेव, क्योंकि इन देशद्रोहियों को मारते वक्त मैं ये पवित्र वर्दी नहीं पहनना चाहता। आज इस देश को फिर एक क्रांति की जरूरत है, और इस क्रांति का शुभ आरंभ हम जैसे लोगों को ही करना होगा। अब मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा सर। कल मैंने तुमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कहा था, आज मैं चाहता हूं कि हम कदम से कदम मिलाकर इस राह पर आगे बढ़े। जय हिंद सर। जय हिंद। अगर हम अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकते हैं तो तुम्हें खत्म करके फिर से आजादी हासिल कर सकते हैं, और आज मैं इस क्रांति का शुभ प्रारंभ करूंगा। किस किस से भागेगा तू? मुझसे, पुलिस से, इस देश से, लेकिन खुद से भागकर कहां जाएगा? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ राज? बहुत भाग लिया मैं, अब और नहीं। किस किस से भागूंगा? दादा से, बहन से, पुलिस से, अपने देश से, लेकिन खुद से भागकर कहां जाऊंगा? कौन कहता है कि तुम खुद से भाग रहे हो? खुद के तो तुम एकदम करीब हो, इतने करीब। नहीं श्वेता, इतना करीब भी नहीं कि मुझे खोकर तुम जी ना सको। हाँ साहब, उसमें से कुछ पैसा नहीं मिला। झूठ बोलते हैं ये लोग। हमने यहाँ का सर्वे किया और बाढ़ पीड़ितों की पूरी पूरी सहायता की, बस इल्जाम लगाते रहते हैं। बस साले, वादे पर वादे, भाषण पे भाषण, कभी अकाल का माल अंदर, कभी बाढ़ का, तो कभी भूचाल का। जिन पर बीतती और बीत रही है वो भले झूठ क्यों बोलेंगे। झूठ तो ये बोलते हैं जिन्हें हर वक्त अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी की चिंता सताई रहती है। क्या हुआ गुरु, तूने किसे गोली मारी? एक नेता को जो झूठ बोले जा रहा था। तो जाके साले के भेजे में गोली उतारना था, अपना ही टीवी क्यों फोड़ डाला? अब यही करूंगा। हमारा नाम मंत्री सत्यनारायण है, हम कोनो कच्ची गोली नहीं खेलता हूँ। इस बार उस डीएसपी का ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन होगा, वो भी कश्मीर में। फिलहाल वो हमारी ड्यूटी करेगा। जय हिंद सर। अरे भाई, वो कहाँ हुआ? डीसीपी भगत पांडे अभी तक आया कहे नहीं? सर, मैंने आपके लिए भगत पांडे से बेटर आदमी का बंदोबस्त किया है। अरे मंत्री हम हूँ कि तुम? जी आप ही हैं सर। फिर जब हम कह रहा हूँ कि भगत पांडे चाहिए तो हमारा बंदोबस्त में भगत पांडे ही चाहिए। सर वो एक देशभक्त ऑफिसर है, और आप जैसे लोगों को इन देशभक्तों से दूर ही रहना चाहिए।
वरना कभी भी उधम सिंह और जनरल डायर की कहानी दोहराई जा सकती है। ये जनरल डायर कौन है? बाबू बख्शी गैंग का आदमी है का? अरे अपना बिहार के लल्ला नवाज से बोल के मरवा देंगे ससुर के नाती को। अरे मंत्री जी, जनरल किसी गैंग में नहीं, मिलिट्री में होते हैं। अपना ही मिलिट्री में का? अरे झूठा केस में फंसवा के सस्पेंड करवा देंगे ससुरा को। मंत्री जी, ये उस जनरल डायर की बात कर रहे हैं जिसे उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह? कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है। अपना ही देश का है का? जी हाँ, और ये भगत पांडे भी उसी राह पर चलने वाला एक देशभक्त है। मुझे डर है कहीं वो आपको गोली ना मार दे। अरे बुड़बक, तो ऐसा बताना चाहिए था ना, अभी हमको जीना है भाई। जियोगे तो तब, अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। याद है एक बार मैंने तुझे कहा था कि जिस दिन जरूरत पड़ी मैं खुद ये वर्दी उतार कराऊंगा। ये वर्दी पहनने के लिए हमें कई साल पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन तुम सिर्फ 4 भाषण और 400 झूठ बोलकर गद्दी हथिया लेते हो, और उस गद्दी को बरकरार रखने के लिए कभी मस्जिद तोड़वाते हो, कभी मंदिर के नाम पर फसाद करवाते हो। अरे अंग्रेजों ने तो इस देश के सिर्फ 2 टुकड़े किए थे, तुमने तो इस देश के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि गिनती करना मुश्किल हो गया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर हैवानियत का नंगा नाच करवाते हो। हम ऑफिसर्स तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। अरे कमिश्नर साहब, खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो? गिरफ्तार करो। करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन एक क्रांतिकारी का मकसद पूरा हो जाने के बाद। अरे आप तो कह रहे थे कि आमची बिरादरी में शामिल हो गए आप। बिरादरी सिर्फ बिरादर से होती है, पर तुम लोग अपनी कुर्सी की खातिर भाई तो क्या, इस धरती माता को भी बेचने से नहीं चूकते हो। वहां बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, और यहां पर तुम अपने नोटों और वोटों की खातिर उनकी लाश को मुद्दा बनाने के लिए निकल पड़ते हो। हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी पार्टी के ऊपर हल्की सी आंच आ जाए तो तुम पूरा का पूरा शहर बंद करा देते हो, बाजार में आग लगा देते हो, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बनी बनाई सरकारें गिरा देते हो, इस मुल्क को करोड़ों के कर्ज में लाद देते हो। वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी आजादी के छठी के दूध का पैसे को भी छठे दिन हमने ही भेजा था, हमारे सामने सर उठा के इसलिए खड़ा होता है क्योंकि तुम्हें अपनी साठगांठ से फुर्सत ही नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम में से ऐसा कोई नेता है जिसने आजादी के 54 सालों में इस मुल्क के लिए कुछ किया हो? अरे तुम क्या बोलोगे सालो, मैं बोलता हूं तुमने इस मुल्क की राजनीति को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है, और इस मुल्क को गुलामों का बाजार, और राजाओं के जैसे इस मुल्क के ऊपर राज कर रहे हो। स्विस बैंक के अकाउंट, बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, कहां लेकर जाओगे ये सब? कहां लेकर जाओगे ये सब? ध्यान रखना, जिस दिन एक आम आदमी अगर जाग गया ना, तो तुम्हारे पास भागने के लिए जगह तो क्या, तुम्हारी लाश को 2 गज जमीन और 4 लकड़ियां तुम्हारी चिता के लिए नसीब नहीं होंगी। लेकिन इन सोयो मुर्दों को जगाएगा कौन? कल इस काम को मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किया था, आज इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। मैं उस सुखदेव के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन हाँ, उसका हम नाम होने की लाश तो मुझे रखनी ही होगी। ऐसा लग रहा मेरे इंफॉर्मेशन की कीमत वसूल होगी। सबको मार दिया मैंने, एक तो ही बचा है बस। वो कमबख्त पिस्तौल कहां गई? कल जिन हाथों ने मुझ पर पिस्तौल ताना था, आज वही हाथ मुझे आशीर्वाद देंगे। हालात ने इसे भटका दिया था, लेकिन रगों में बहता खून इसे देशभक्ति की राह पर वापस ले आया है। भटकाव क्षणिक होता है, लेकिन संस्कार जीवन के अंतिम पलों तक साथ रहते हैं। आपने जो संस्कार दिए थे वो सर चढ़कर बोल रहे हैं। आप क्रांति लाना चाहते थे ना दादाजी, आ चुकी है। तो वो तीनों क्रांतिकारी तुम ही हो? जी हाँ, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी, और फिर जब आप जैसा बुजुर्ग इतना बड़ा फैसला ले सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। उस दिन आपके हाथों में पिस्तौल छोड़ते वक्त मैंने आपकी आंखों में वंदे मातरम की झलक देख ली थी। अब आप ही एक झलक
डाल दीजिए हमारी क्रांति के उन मेडल्स और आजादी के प्रतीकों पर, ताकि हम खुशी खुशी इन्हें अपने गले से लगा सके। ये हमारी अंतिम इच्छा है कि हम बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके सामने खुलेआम मौत के इस उपहार को स्वीकार करें। अच्छी लगी तुम्हारी अंतिम इच्छा, वरना शहीदों के नाम इतिहास के पन्नों में से मिटते जा रहे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें कभी कुछ मिटा नहीं पाएंगे। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब जब भी हमारी आजादी को ऊपर आ जाएगी तब तब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु यूं ही इस धरती से जन्म लेते रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु फिर इस धरती पे आएंगे। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु फिर इस धरती पे आएंगे। आजादी हमको दिलाएंगे, है हमको ये भरोसा। सब दुनिया दुनिया करते ये दुनिया तो कुछ भी नहीं। एक ख्वाब है, साया है आखिर ये दुनिया तो कुछ भी नहीं। सब दुनिया दुनिया करते हैं।